राधा माधवा कुंज बिहारी। हारमोनियम विद माइक माइक। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन गज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. श्रीमद्भागवतम की जय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञान निरंजन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अम्बरीश महाराज की कथा के लिए आप लोग तीन चार सत्र आकर गए हैं। हम अम्बरीश महाराज की कथा सीधा चालू नहीं की। पहले हमने सुद्युम्न राजा कैसे स्त्री बना वो एक अध्याय, उसके बाद सरियाती राजा की पुत्री सुपुत्री जो सुकन्या, तो उनके कथा हमने सुना। उसके बाद एक प्रशद्र नाम के एक क्षत्रिय राजा के पुत्र जो शुद्ध भक्त कैसे बना, इस तरह हम लोग विविध कथा पढ़ते। तीन चार सत्र हो चुका है, लेकिन आज हम अम्बरीश महाराज की कथा चालू करेंगे। आज और एक महत्वपूर्ण चीज भूल गया, सुकन्या मैरिज। सुकन्या की विवाह हुआ था जो एक बूढ़े योगी के साथ। तो क्योंकि ये भागवत के नवम स्कंद के पहले तीन अध्यायों में सीखने लायक अनेक विषय थे, इसलिए हम लोग अम्बरीश की कथा में सीधा पहुंचे नहीं थे। लेकिन आज हम अम्बरीश की कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन अम्बरीश की कथा चालू करने के पहले इधर भी एक महत्वपूर्ण और एक कथा है, छोटी कथा आप देखेंगे आपको पता चलेगा अभी। क्योंकि अम्बरीश के वंश में उनके पिताजी नाभागा और उनके पिताजी नभगा, ये सब लोग महान पुरुष हुए हैं। जैसे बोला जाता है कि एक आम के पेड़ में ही आम पैदा होता है, बबूल के पेड़ में कांटे पैदा होते हैं ना, इस तरह देखा जाता है कि एक वंश में अगर एक कोई शुद्ध भक्त जन्मा हो तो उनके पिताजी उनके दादाजी उनके उनके भी विषय में भागवत बताता है, जब वो भी भगवान के महान भक्त हुए हैं। इसलिए अध्याय चालू होता है इस तरह के एक विषय से चालू होता है। यू आर इन विच चैप्टर? चैप्टर 4 9th कैंटो। श्री शुक उवाच न भागो न भगापत्यम यम ततम भ्रातर कविम व्यविष्ठं व्यभजन दायम ब्रह्मचारिणमागतम। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभक का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के पास रहा, अतएव उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। देखिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इस तरह के चार आश्रम होते हैं वैदिक संस्कृति में। एक गुरुकुल में एक बच्चा 5 वयस में शामिल होकर गुरु गुरु के आश्रय लेकर सब सीखता था। और ऐसे हमने सुना है कि कभी कभी 15-20 साल प्रशिक्षण होने के बाद वो उसको उपकुरवाना ब्रह्मचारी बोलते हैं। उपकुरवाना ब्रह्मचारी घर वापस लौटता है तो विवाह यज्ञ में विवाह यज्ञ होकर उसके बाद गृहस्थ आश्रम को चालू करता है। जैसे
सुदामा, कृष्ण, बलराम, वो सब तीनों ने ऐसा ही किया। गुरुकुल के संदीपानी मुनि के गुरुकुल में प्रशिक्षण लिया, उसके बाद विवाह करके गृहस्थ आश्रम को अपनाया। लेकिन आजकल के जमाने में अनेक ब्रह्मचारी 20-25 में चालू करते हैं उनका गुरुकुल का वास, उसके पहले तो कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको कभी कभी 15-20 साल के बाद पता चलता है उनको। कभी कभी कुछ लोग 35 में 40 में भी विवाह होता है ऐसे कुछ लोगों का ऐसे। तो अगर आपके पास कोई पूछता है कि अरे 10-20-15-20 साल के बाद कैसे एक ब्रह्मचारी विवाह करता है, तो आप ये श्लोक दिखा सकते हैं उनको, क्योंकि भागवत में ऐसे बताया है। क्योंकि कुछ 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 ब्रह्मचारी गुरुकुल में 20-25 साल में ही वो विवाह करते थे, लेकिन गुरुकुल चालू होता था 5 साल में, करेक्ट है ना ऐसे। तो इसकी ये बात की पुष्टि किया गया है इधर। लेकिन समस्या क्या हो गया, उनके भाइयों ने सोचा था कि ये उनका भाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने वाला है। तो दो ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब है वो गुरु के आश्रम में आजीवन रहता है वो अंतिम सांस तक, और उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी प्रशिक्षण लेकर गृहस्थ आश्रम में रहकर वो भी गुरु के आदेश को पालन करता है गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद पति पत्नी दोनों 50 साल के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, यात्रा करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, और वानप्रस्थ के समय आध्यात्मिक जीवन की ओर और ज्यादा ध्यान देते हैं गंभीरता से। श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि इस्कॉन में वानप्रस्थ अगर किसी को करना हो तो कुछ जंगल में जाने की जरूरत नहीं, आजकल जंगल ढूंढना मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वानप्रस्थ लोगों को इतना ही करना है, स्वर्णमाला करो, माला जपो, गीता भागवत पढ़ो, इस्कॉन में दिन भर आकर कुछ सेवा में शामिल हो जाओ, और इस तरह से अपने जीवन को सरल रखो, और 50 के ऊपर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए उस समय भगवान के ऊपर पूरा ध्यान लगाकर भक्ति करो, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो 50 से 75 के बाद कोई संन्यास लेता है, ले सकता है कोई, तो सब लोग संन्यास नहीं लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं। तो इधर नाभक का क्या हुआ था, वो आश्रम में बहुत लंबे साल रहकर घर वापस जब लौट आया, उनके भाइयों ने आपस में धन संपत्ति को बंटवारा कर ली थी। अभी भाइयों को क्या अच्छा लगा क्या वो वापस लौट आना, अच्छा नहीं लगा, अरे ये भाई आ गया, इसको अगर हम बंटवारा करेंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारा जमीन कम हो जाएगा। इसलिए वो लोगों ने क्या बोला, नाभक को बोला कि एक ही चीज बचा हमारे घर में, जो हमारे पिता हैं उनको तुम ले लो, ऐसे दिया। और ये नाभक जो है कितना वो सरल ब्राह्मण था, वो आप देखेंगे सरल व्यक्ति था, उसके बारे में इधर बताया गया है। ब्रातरो भांक्त किं मह्यं, भजाम पितरं तव, त्वां ममार्यास्तथा भांक्षुर मा पुत्रक तदा धृताः। अभी नाभक पूछ रहा है, मेरे भाइयों ने माय डियर ब्रदर्स, ये पूछ रहा है, ए भाइयों पढ़िए। नाभक ने पूछा, मेरे भाइयों आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है। उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभक अपने पिता के पास गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे तुम इनके ठगने वाले शब्दों पर विश्वास मत करना, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। तो पिताजी ने बोला बेटे को, अरे बेटे ये लोग तुमको धोखा दे रहे हैं, जैसे बोलते हैं उल्लू बना दिया तुमको, अरे पिताजी मैं तो बुढ़ा हूँ, मुझे लेकर तुम क्या करोगे, मुझे तो संभालना पड़ेगा तुमको, और तुमको मेरे से क्या मिलने वाला है पैसा, ये लोग ने ठग दिया तुमको। फिर भी पिताजी ने सोचा कि ये नाभक जो है एकदम सरल और सत्यवान है, तो उन्होंने सोचा कि उसको मदद करना चाहिए। पिता ने बोला, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा, तुम्हारे धन संपत्ति के लिए, जमीन के लिए सब व्यवस्था मैं करूंगा, एक उपाय देता हूँ सुन लो। अभी उपाय बता रहे हैं, इमे अंगे रस सत्रम आसते सुमेधशः षष्टम उपेत्याहः
कवे मुह्यंति कर्मणि। ये बोल रहे हैं कि अंगिर मुनि के वंश के अनेक ब्राह्मण लोग साथ में आकर एक बड़े यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो सब लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके यज्ञ में छठा दिन वो उनको समस्या होता है। क्या समस्या है? उस दिन जो मंत्र पूर्ण आहुति देना होता है वो मंत्र उनको मालूम नहीं है ये लोगों को, तो ये लोगों की मदद की जरूरत है इनको किसी और ब्राह्मण की। तो इन्होंने बोला कि मैं तुमको मंत्र दे दूंगा पूर्ण आहुति करने के लिए, मंत्र छठा दिन तुम जाकर यज्ञ में भाग लो और छठा दिन जब उनको जरूरत पड़ेगी तभी वो मंत्र प्रदान करो उनको, वो लोग मंत्र प्राप्त करके यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद यज्ञ में जो भी बचा हुआ है फल, यज्ञ फल, वो तुमको दे देंगे और वो तो बहुत पहाड़ के बराबर सोना चांदी रत्न इत्यादि रहेगा, तो वो तुम्हारे पास दे देंगे और तुमको धन दौलत की कुछ कमी नहीं रहेगा बेटा, चिंता मत करो। इस तरह बोलकर उन्होंने उनका मंत्र दिया। अभी देखिए पांचवा श्लोक में बोल रहे हैं, उन महापुरुषों के पास जाओ और ये दो मंत्र है, ऐसे बता रहे हैं, पढ़िए वो पांचवा। नभाग के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के पास जाओ और उन्हें वैष्णोदेव संबंधी दो वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोक को जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे, अतएव तुम तुरंत जाओ। इस तरह नभाग ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के सारे मुनियों ने उसे अपना सारा धन दे दिया और फिर वे स्वर्ग लोक को चले गए। हाँ देखिए, ये यज्ञ में ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण ऋषि मुनि और देवता लोग भी भाग ले रहे थे इसमें, और ये सब लोग यज्ञ पूरा करते समय उनको पूर्णाहुति की मंत्र की जरूरत थी, ये नाभाग ने दिया, वो लोग बहुत खुश हो गए। तो मंत्र पूरा हुआ, यज्ञ पूरा हुआ और वो लोगों को जो भी अलग अलग दक्षिणा होती थी सब मिल गई, लेकिन यज्ञ फल जो बचा हुआ होता है वेदों के अनुसार वो शिव जी को प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है? एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव जी को एक श्राप दिया कि यज्ञ में जो आहुति दिया जाता है सब देवता बंटवारा करेंगे उसका, लेकिन तुमको उसमें उसका भाग नहीं मिलेगा। तो शिव जी को ऐसे एक उन्होंने श्राप दी थी दक्ष प्रजापति ने, लेकिन भगवान विष्णु के आदेशानुसार ठीक है, उनको यज्ञ में अगर भाग नहीं मिलेगा समस्या नहीं, यज्ञ होने के बाद जो बचा हुआ है सामग्रियां वो सब किसके होंगे? शिव जी के होंगे, ऐसे हुआ। इसलिए कहीं भी अगर यज्ञ किया बड़े किया जाता है उसमें सामग्री अगर बच गई वो शिव जी के मंदिर में दिया जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, बचा हुआ धन संपत्ति सोना चांदी इत्यादि इकट्ठे हुए थे उधर, ब्राह्मण ने छोड़कर गया और बोला इसको तुम ले लो ये सब। सुनाभाग उसको इकट्ठा कर रहा था जैसे गोणी में डालकर लेके जाने के लिए। इतने में अगले श्लोक में आप सुन रहे हो क्या हुआ, पढ़िए। जब नाभाग सारा धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से काला कलूटा व्यक्ति उसके पास आया, वो काला व्यक्ति शिव जी थे, और बोला इस यज्ञशाला की सारी संपत्ति मेरी है। और ये गलत ही नहीं है, उन्होंने जो बोला सही बोला, वो जो भी बचा हुआ था उधर शिव जी का ही होता है। आगे और एक। तब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले कलूटे ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास चलें और उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहें। तदनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा। हाँ देखिए, अगर कभी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, स्पर्धा होता है, तो क्या करना चाहिए? उनको ऐसे एक व्यक्ति के पास समाधान के लिए जाना चाहिए जो अनासक्त होगा, साथ साथ बुद्धिमान भी होगा। नहीं तो आपने सुना है एक बार दो बिल्ली थे, उनको एक बहुत बड़ा एक बिस्किट मिल गया ना, बड़ा ब्रेड मिल गया उसको, तो दोनों किसके पास गए? एक बंदर के पास गए ना, बंदर के पास गए। तो बंदर ने क्या बोला, मैं काट कर दूंगा चिंता मत करो, वो आधा काटने के पहले थोड़ा ज्यादा ही काट लिया। तो बिल्ली बोला कि इसका बड़ा हो गया, तो बंदर ने थोड़ा उसको निकाल कर बोला कि मैं काटूंगा चिंता मत करो।
थोड़ा खा लिया, और ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, बाद में क्या क्या है, इससे भी थोड़ा काट कर खा लिया, और ये भी छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस तरह करते करते बंदर ने क्या किया, पूरा का पूरा खा लिया। इसलिए जो मध्यस्थ होता है वो अनासक्त होना चाहिए पहले। दूसरा चीज है, अगर समस्या हो दो लोगों के बीच में, उनको उसको उनको मदद करने के लिए उसके पास बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए नाबाग ने बोला कि मेरे पिताजी ने बोला कि ये सब संपत्ति मुझे मिलेगा यज्ञ होने के बाद, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपका है। तो शिव जी ने बोला ठीक है, तुम्हारे पिताजी के पास ही जाकर पूछ कर आओ, ऐसे बोले शिव जी। तो नाबाग गया अपने पिताजी के पास, इधर पूछ रहे हैं अपने पिताजी को, यज्ञ वास्तु गतम सर्वम उच्चिष्टम ऋषय क्वचित चक्रुर्भागम रुद्राय सदैव सर्वमर्हति। बोले नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वह शिव जी को उनके भाग के रूप में दी गई थी, अतएव इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव जी की ही है। हाँ, देखिए आप देखेंगे नाभाग, ये नाभाग जो है पिताजी, नाभाग के पिताजी नाभाग जो है वो क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि दक्ष ये जो यज्ञ में हुआ है प्राप्त हुआ वो सब शिव जी का ही है, ऐसे बोल दिया उन्होंने। हाँ, तो अगर ऐसे कोई आपको बोलते हैं तो आपको क्या शंका होगा मन में, पिताजी आपने पहले बोला कि मेरा होगा, अभी आप बोल रहे हैं कि शिव जी का है, क्या आपका बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गया क्या है, नहीं तो भूल गए क्या, बूढ़े हो गए हैं, याद नहीं क्या, ऐसे पूछा गया कि नहीं, कोई पूछेगा कि नहीं, पूछेगा ना। पहले बोला कि मेरा होगा, अभी बोल रहे हैं शिव जी का है, पहले क्यों नहीं बोला आप, आपने मंत्र भी दिया, छठा दिन उच्चारण करने के लिए मैं जाकर सब किया, छह दिन वेट किया, मतलब फल क्या मिला मुझे, आप क्या अभी कुछ बोल रहे हैं, पहले कुछ बोला, हमारे समय की बर्बादी क्यों कर रहे हैं, ऐसे पूछ सकता था ना। ऐसे नाभागा ने किया नहीं, ऐसे अपने पिताजी से वाद विवाद नहीं किया, वो पिताजी बोलते ही तुरंत वो स्वीकार लिया। नाभागस्तम प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम् इत्याहमे पिता ब्रह्मन् चिरसा त्वां प्रसादये। तत्पश्चात शिवजी को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसे मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। ये कितना सत्यपरायणता प्रामाणिकता आप देख सकते हैं नाभाग की। पहले इनके पिताजी ने बोला तुमको मिलेगा, अभी उनको कुछ मिला नहीं, ये शिवजी का हो गया, उन्होंने शिवजी को दंडवत प्रणाम करके बोल दिया कि आप ले लीजिए, मेरे पिताजी ने जो बोला मैं मानता हूँ, आप ले लीजिए। शिवजी ने जब सुना क्या बोला, देखिए शिवजी ने, यत्ते पिता वदधर्मम् त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मंत्र दृशो ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। बोलिए, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, और तुम भी वही सत्य कह रहे हो, अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। हाँ, गृहाण द्रविणम दत्तम मत्सत्र परिशेषितम इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सलः। शिव जी ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव जी उस स्थान से अदृश्य हो गए। देखिए अद्भुत बात क्या हुआ, जब वापस लौट आकर बोला शिव जी को, मेरे पिताजी ने बोल दिया कि ये सब आपका, आप ले लीजिए। पहला चीज है, नाभाग ने अपने बारे में सोचा नहीं, अरे ये सब शिव जी उठा कर लेके जाएंगे तो अभी मेरे भाई लोगों ने भी ठग दिया हमको, अब ये भी दंडौलत शिव जी लेके जाएंगे। पिताजी ने छह दिन हमको इधर रुकाया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सब लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, तो ऐसे चिंता नहीं हुआ उनको मन में। उन्होंने सोचा कि अगर ये शिव जी का संपत्ति हो तो उनको दे देना चाहिए, आकर दंडवत प्रणाम करके दे दिया उनको।
और शिवजी ने बोला उनको कि तुम्हारे पिताजी ने सही बोला है, ये संपत्ति सब मेरा है, लेकिन तुम क्योंकि इस बात को मान लिया, तुम सरल हृदय वाले हो, हाँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए इधर बैठो, मैं तुमको मंत्र दूंगा और दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। तो अभी दिव्य ज्ञान के साथ साथ उन्होंने बोला कि इतना ही नहीं, जो भी मैंने बोला कि ये दौलत तन दौलत मेरा है, सब तुमको दे दूंगा मैं, ये भी ले लो। देखिए ये आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति नेक होता है, सरल होता है, अपने बड़ों की बातों को मानता है, जैसे पिता हो गुरु हो उनकी बात, उनको दोनों मिल जाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ, साथ साथ शिव जी ने सब कुछ सब जो इकट्ठा किया था उन्होंने सब दे दिया उनको, दोनों प्राप्त हुआ। लेकिन उनके भाइयों को क्या मिला, क्या दिव्य ज्ञान मिला? नहीं मिला, लेकिन सिर्फ इस दुनिया का कुछ धन मिला उनको, वो तो सब मिट जाएगा, मिट्टी के साथ मिल जाएगा वो। लेकिन इधर देखे नाबाग अपने पिताजी के आदेश माना, शिव जी के आदेश माना, एकदम नम्र स्वभाव का था, तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। आप लोगों ने स्कूल के दिनों में एक कहानी सुना होगा, एक लकड़हारा गया दादी ये पेड़ काट कर, काटते समय क्या हुआ, उसका कुल्हाड़ी ये ऐसे जोर से इसे मारा, कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गया और पानी में आए जाकर गिर पड़ा हुआ है ना। उसके बाद क्या हुआ, पानी में वो ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं, तो भगवान को प्रार्थना किया, कोई देवता आकर पूछा उसको, पानी से उसको दिखाया, एक सोने का दिखाया कुल्हाड़ी, ये तुम्हारा है क्या? क्या बोला वो? नहीं। उसके बाद चांदी का दिखाया, तुम्हारा है क्या? है नहीं बोला। तो लकड़ी का दिखाकर बोला, तुम्हारा है क्या? बोला हाँ जी। तीनों ले लो तुम, तीनों का तीनों दे दिया उसको, क्योंकि उसने सत्य बोला है ना। तो उसके पड़ोस व्यक्ति और एक लकड़हारा था, वो उसने एक कहानी सुना, ऐसा है क्या, मुझे भी चाहिए। तो अगले दिन वो गया, वो लकड़ी काटा भी नहीं, वो पानी में डाल दिया अपने कुल्हाड़ी को पहले से, और उसने प्रार्थना किया, है देवता आ जाओ, मेरा कुल्हाड़ी छूट गया हाथ से। तो देवता आए, तो देवता ने पूछा, ये सोने का कुल्हाड़ी तुम्हारा है क्या? हाँ हाँ मेरा है, बोला। ये चांदी का है क्या? हाँ ये मेरा दादाजी का होगा, वो भी दे दीजिए। और लकड़ी का दिखा, ये है क्या? वो भी है मेरा। तुमको तीनों नहीं मिलेगा तुमको, क्यों? तुमने झूठ बोला। सुना ना आप लोगों ने। तो इसी तरह इधर देखते हैं, इन्होंने कुछ झूठ नहीं बोला शिव जी को, झगड़ा वाद विवाद नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, उन्होंने अपने पिताजी के आदेशानुसार पूरा पालन किया नाबाग, ऐसे सरल हृदय वाला था नाबाग, इसलिए उनको दोनों मिल गया, दुनिया का भी धन मिल गया, दिव्य ज्ञान भी मिल गया उनको। ठीक है, सुदामा ब्राह्मण गया भगवान के पास द्वारका में, कुछ मांगा नहीं, उन्होंने क्या बोला सुदामा ने, अरे मेरे मित्र कृष्ण को देखो, इन्होंने मेरा पाद समाधान किया, इन्होंने आरती उतारा मुझे और बैठकर घंटों घंटे बात किया, जिसमें रुक्मिणी और कृष्ण बैठते हैं द्वारकाधीश, उसी आसन में मुझे साथ में मेरे साथ बैठ गए, मुझे भी बिठा दिया भगवान ने, और घंटों घंटे बात कर रहे थे भगवान मेरे के साथ, मेरे साथ इतना प्रेम देने वाले भगवान, द्वारकाधीश के पास जाकर मैं क्या मांग सकता हूँ, कुछ मांगना नहीं चाहिए, अच्छा शोभा नहीं देता हो, बस भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, बस बाकी कुछ वणिक जैसे पैसा की कुछ लेना देना नहीं होता, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, इसे सोचा उन्होंने। और घर वापस लौटते समय सुदामा ने एक गीत गाया, वहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। भगवान द्वारकाधीश जो है वो लक्ष्मीपति हैं, लेकिन मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, लेकिन अपने दोनों बाहुओं से मुझे आलिंगन दिया भगवान ने। देखो कितने महान है भगवान है। इस तरह भगवान का स्मरण आया उनको। इतना ही नहीं, मुझे बड़े आसन में बिठाकर मेरा पांव धो रहे थे भगवान। उस समय मैंने देखा उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी जी जो साक्षात लक्ष्मी है, वो हाथ में एक चामर लेकर चामर डुला रही थी मुझे। तो
इस तरह वो उस घटना को मन में बार बार उनका उनका स्मरण आया कि कृष्ण ने मेरा ट्रीटमेंट मुझे मेरे साथ कितने बहुत घनिष्ठ प्रेम दिखाया मुझे। तो उन्होंने बोला कि इतना ही मुझे चाहिए, बस प्रेम से मैं संतुष्ट हूँ और कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ। ऐसे बोलते बोलते घर वापस लौट गए, देखा कि घर एकदम बड़ा मकान हो गया था। हाँ, उधर सैकड़ों नौकर चाकर थे, उनके जो धर्मपत्नी थी अच्छे अच्छे साड़ी पहने थी, वो देखने में लगा उनको ये तो लक्ष्मी जैसे कोई दिख रही है क्या, मेरी पत्नी है क्या, ऐसे वो देख रहे थे। तो उनको पत्नी को जब देखा, इनका भी कपड़ा बदल गया तत्क्षण, इनका भी बहुत महंगा कपड़ा बदल गया, आभूषण आ गया उनके शरीर में। उनके दोनों बच्चे आए पिताजी को पुकारते हुए, अच्छे अच्छे गहने पहने थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। तो क्या ये सब मांगा क्या सुदामा ने? उन्होंने सिर्फ प्रेम मांगा, लेकिन प्रेम भी मिला, सब दान दौलत भी मिल गया उनको। ऐसे ही हुआ नाबाग का भी। नाबाग ने कुछ किसी को ठगा नहीं, धोखा नहीं दिया, अपने पिताजी और शिव जी दोनों का बात माना, मानकर उसके अनुसार चला। तो कभी कभी हम देखते हैं कि दुनिया में लोग बड़े स्पर्धा करते हैं। आप देखेंगे ये समुद्र मंथन लीला में, जब देवता और असुर दोनों वासुकी के, देवता लोगों ने पकड़ा था वासुकी के मुख, असुर पकड़ते वासुकी का पूंछ, लेकिन अचानक असुरों ने देखा, एक असुर ने बोला अरे दूसरे असुर को, अरे नारायण ने हमको धोखा दे दिया, क्यों हमको एक पूंछ को दिया है, देवताओं को मुख दिया है वासुकी सर्प का। इस तरह कभी कभी लोग बोलते हैं अरे ये प्रभु जी को स्टेज के ऊपर खड़े होकर अनाउंसमेंट करने के लिए मौका मिलता है, सब लोग उनका फोटो निकाल रहे हैं और हमको पीछे डेटी रूम में जाओ उधर कुछ बर्तन घिसो, ऐसे सेवा देते हैं, हमको देखने वाला कौन। इसलिए लोग स्पर्धा करते हैं, अरे हमें पीछे का सेवा नहीं चाहिए, हमको हाँ आगे का सेवा, लाइट के सामने चाहिए हमको सेवा, ऐसे लोग डिमांड करते हैं, है ना, कुछ लोग करते हैं ऐसे। एक बार हमने देखा एक व्यक्ति को फेस्टिवल के दिन प्राइम टाइम में गाना था उसको, हरे कृष्ण गाना था, तो बड़ा स्पर्धा होता है उसके लिए, अनेक लोग गाना चाहते हैं। तो एक भक्त ने उनको बोला कि प्रभु जी अभी तो सब बुक हो गया नाम, कौन कौन गाने वाला है, आप निकट बैठकर गाओ, माइक के अंदर गाने के बदले आप निकट बैठकर उनके पीछे गाओ, ये बोल रहा उसमें क्या मजा है, माइक में गाने में मजा है, क्योंकि हम गाएंगे बाकी लोग हमारा फॉलो करेंगे, नहीं तो वो गाएगा हम क्या फॉलो करेंगे क्या। आप देखेंगे इस दुनिया में स्पर्धा करने वाले अनेक होते हैं ऐसे, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, वासुकी के मुख डिमांड किया कौन, असुर लोगों ने। भगवान ने देवताओं को बोला आप लोग जाने के लिए तैयार हो क्या पूंछ पकड़ने के लिए, देवताओं ने बोला आप जो बोलेंगे हम करेंगे, पूंछ पकड़ने के लिए बोली पूंछ पकड़ेंगे, मुंह पकड़ने के लिए बोली मुंह पकड़ेंगे, निकल जाओ बोलेंगे निकल जाएंगे, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, देवता लोग सहमत थे। तो इसलिए इसके कारण क्या हुआ, देवता लोग पूंछ की ओर आ गए, जब वासुकी को लेकर ऐसे समुद्र मंथन हुआ उस समय वासुकी को उल्टी आ गया, उसके मुख से धुआं निकलने लगा, तो किसके चेहरे के पे ऊपर आ गया, असुरों को। तो असुर लोग चिल्ला रहे थे अरे कौन है मूर्ख, किसने बोला कि पूंछ छोड़कर इधर आओ करके। तो वो असुर बोल रहा था अरे मुझे मूर्ख बोल रहे हो, तुम लोग मूर्ख हो क्योंकि मैंने बोला इस साइड में आओ, तुम भी आ गए इसलिए तुम मूर्ख हो, आपस में लड़ रहे थे वो लोग ऐसे। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने बोला ठीक है झगड़ा मत करो, उन्होंने वासुकी को तमोगुण में डालकर सुला दिया उसको, तो वासुकी मुंह से दुआ निकला नहीं। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ये स्पर्धा इस दुनिया में चलता है, लेकिन नाबाग ने स्पर्धा नहीं किया अपने भाइयों के साथ और अपने पिताजी के पास भी झगड़ा नहीं किया उन्होंने, पिताजी अच्छे थे तो उन्होंने इस तरह एक आयोजन किया उनको धन दौलत के लिए, और शिवजी सारे के सारे दे दिए शिवजी ने। ये तत्सम स्मरेत प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। बोलिए। जो इस कथा को प्रातः काल एवं सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है वह निश्चय ही विद्वान, वैदिक स्रोतों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। ऐसे आशीर्वाद दिया गया है भागवत में
अगर हम इस कथा अभी आप लोग सुने, अभी नाभाग की कथा उसको सुनते हैं, उसको स्मरण करते हैं सुबह नहीं तो शाम, वो बुद्धिमान बन जाता है, अनुभवी हो जाता है वैदिक मंत्रों में और साक्षात्कारी पुरुष हो जाता है, ऐसे बताया गया है इधर। मतलब क्या आप लोग देखेंगे घर में भी कभी कभी भाई भाई के बीच में भी झगड़ा हो सकता है जमीन के लिए, पैसा के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं वो तो धन और जमीन इत्यादि के बारे में बोलते ही नहीं है, है ना, कॉलेज तक बोलेंगे नहीं। उसके बाद जब शादी होकर बच्चे हो गए, बिजनेस आ गया, तब कभी कभी भाई भाई के बीच में बड़ा झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कभी कभी सारे घर टूट जाता है। इसलिए ज्वाइंट फैमिली आजकल देखना मुश्किल है। उस जमाने में ज्वाइंट फैमिली में एक बड़ा टर्बन वाला आपने देखा है, टर्बन पहनकर बीच में खड़ा रहेगा, उसके तीन चार बेटे होते थे, उनके पत्नियां होते पत्नी होते थे, उनके बच्चे होते थे, लगभग कभी कभी 40-50। ये कॉलेज का विद्यार्थी, उसने बोला कि उसके ज्वाइंट फैमिली में 80 लोग गांव में ऐसे, वो लोग साथ में रहते थे, क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास था वो बड़े टर्बन वाला जो होता था, बड़े बूढ़ा व्यक्ति के ऊपर। लेकिन आजकल लोगों के जीवन में लोग, कोई बेटा सोचता है कि भविष्य में क्या होगा किसको पता, बाकी भाई लोग हमको लूटेंगे, वो लुटेरे हैं, ये तो बूढ़ा व्यक्ति निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा, इस तरह सोचकर हर पति पत्नी अपने अपने पॉकेट भर के निकल जाते हैं। इसलिए परिवार सब छोटे छोटे परिवार हो गए, ज्वाइंट फैमिली रहा नहीं भारत में आजकल, यही कारण है, क्योंकि विश्वास नहीं है लोगों को आई से, क्योंकि बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोग दूसरों को भी धोखा देना चाहते हैं, लोग स्वार्थी होकर, और बाकी लोग भी छोड़ते नहीं, वो भी बड़ा कुरुक्षेत्र मच जाता है घर में, जैसे पांडव कौरवों के बीच में हुआ ऐसे। लेकिन इधर नाभाग आप देखते हैं, वो वापस लौट आने के बाद उनके पास कुछ नहीं, लेकिन झगड़ा नहीं किया, भाइयों के भी साथ झगड़ा नहीं किया, पिताजी के साथ भी झगड़ा नहीं किया, शिव जी के साथ झगड़ा नहीं किया, लेकिन आध्यात्मिक साक्षात्कार पुरुष थे वो आध्यात्मिक रूप से, तो भगवान ने सब आयोजित कर दिया उनको, सब तरीके से जो भी जरूरत है उनको, दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ साथ साथ इस दुनिया का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। ना भागात अम्बरीशो भून महाभागवत कृति ना स्पृशद ब्रह्म शापो अपि यम न प्रतिहत क्वचित। देखिए इधर बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि नाभागात का एक बेटा था, उसका नाम था अम्बरीश। अभी आप जान सकते हैं अम्बरीश क्यों इतने महान पुरुष थे, क्योंकि किसके बेटे थे वो, नाभा के बेटे। कभी कभी मेरे गुरु महाराज लोगों को बोलते थे कि अच्छा ये ब्रह्मचारी आपका बेटा है, तो बोलते थे कि आम के पेड़ से ही आम निकलते हैं, तो अगर कोई अच्छा सत्पुरुष हो तो आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से वो अच्छा परिवार खानदान में जन्मा है, उनके माता पिता ने उसको संस्कार दी है। एक माता जी थी, उसने बोला मेरे गुरु महाराज को, महाराज ये जो जाइन क्या है ब्रह्मचारी, आपको मालूम नहीं ऐसा नहीं कि हम कम भक्ति करते हैं, हम भी वृंदावन में जाते हैं, बांकी बिहारी मंदिर में हर महीना जाते हैं हम 2-3 दिन के लिए वृंदावन, और हर बार महीने में जाते समय हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, और हम 7 मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं वृंदावन में, आपको क्या लग रहा है कि हम कम भक्ति करते हैं, हमारा बेटा और ज्यादा कर रहा है। तो मेरे गुरु महाराज ने बोला आपने इस तरह भक्ति की है कृष्ण की, इसलिए तो ऐसा बेटा दिया है भगवान ने, ऐसे बोले, आपकी वैराग्य आपकी भक्ति से ही आपका बेटा बेटे के अंदर इस तरह का भक्ति जग गई, ऐसे बोले महाराज। तो माता कुछ बोल नहीं पाई उसके आगे। तो आप देखेंगे इस तरह नाभाग ऐसे थे, अच्छा पुरुष था, उसके बेटा बना कौन, अम्बरीश। इधर एक खास विषय बताया गया है, नास्पृशत ब्रह्म शापोपि, एक ब्राह्मण ने उस अम्बरीश के ऊपर एक ब्रह्म शाप दिया उसको, लेकिन यमन प्रतिहत क्वचित, ब्रह्म शाप अगर किसी को मिलता है तो जरूर उसका नतीजा पड़ता है, कोई बच नहीं पाएगा उससे, लेकिन अम्बरीश के ऊपर उसका असर नहीं पड़ा, ऐसे उन्होंने बोल दिया।
देखिए सुखदेव गोस्वामी के बोलने का ढंग ही एकदम सुंदर है, उनके कथा सुनते ही हमारे अंदर एक जिज्ञासा उठ जाता है। क्या जिज्ञासा उठेगा बोलिए? ब्रह्मशाप किसने दिया था, वो ब्रह्मशाप देने के बाद भी उसका नतीजा क्यों नहीं निकला, ऐसे किसी के अंदर भी एक कौतूहलता, एक जिज्ञासा उदय होगा कि नहीं। और खास करके अभी परीक्षित महाराज सुन रहा है, उसके ऊपर भी एक ब्रह्मशाप है। किससे, किसने दिया वो? हाँ, श्रृंगी ने दिया तो सात दिन में। इसलिए ब्रह्मशाप को सुनते ही तुरंत उनका एंटना ऑन हो गया। किसका? परीक्षित का। तुरंत उसने पूछा, अच्छा ब्रह्मशाप दिया लेकिन उसका असर नहीं पड़ा पर अम्बरीश के ऊपर, तो प्रश्न पूछने वाला है अभी कौन? परीक्षित। श्री राजोवाच, भगवान भगवन श्रोत्रुम इच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ शाप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। देखिए भागवत में परीक्षित महाराज उन स्थानों में प्रश्न पूछेंगे जब एक शुद्ध भक्त का वर्णन आता है, इसलिए भागवत में आपको प्राप्त होता है कोई ये राजा ने ये रानी के साथ शादी की, उनके चार बेटे हुए और इसका शादी इसके साथ हुआ, उसका शादी इसके साथ हुआ, और इनके योनि में इन्होंने तीन बच्चे पैदा किया और इनका शादी हुआ, ऐसे करके कभी कभी 40-50 श्लोक निकल जाते हैं भागवत में। हाँ, ऐसे जाते हैं बोलते बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, और अचानक जब विषय आता है नाभाग नाम का एक पुत्र हुआ, उनका नभग का पुत्र था नाभाग और नाभाग का पुत्र था अम्बरीश, और अम्बरीश एक शुद्ध भक्त था और जब बड़े योगी जो दुर्वास मुनि तपस्वी हैं, उनका ब्रह्मशाप का असर नहीं पड़ा क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। उस स्थान में क्या होगा, परीक्षित एक प्रश्न पूछेगा और सुखदेव गोस्वामी उस व्यक्ति के बारे में विस्तृत रूप से कथा बताएंगे। इसका कारण उद्देश्य क्या है, भागवत में सुखदेव जी ने समय की बर्बादी नहीं की, सिर्फ उन पुरुषों के बारे में, उन स्त्रियों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है जिनके बारे में पढ़ने से हमारे अंदर भी भक्ति जग जाए, भक्ति जग सके, ऐसे लोगों के बारे में वर्णन। जैसे आप देखेंगे आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, मान लीजिए उनके दादाजी, तो दादाजी के तीन बेटे थे, तीन बेटे की शादी हो गया और उनके पहले बेटे का एक बेटा हुआ जो आपके पिताजी हैं, ऐसे हो सकता है, और आपके पिताजी के चार बच्चे हैं, ऐसे आप परिवार में देखेंगे। लेकिन उस परिवार में आप भक्त बन गए, सुखदेव गोस्वामी क्या करेंगे, आपके ऊपर वीडियो लगा देंगे। ऐसे इनके परिवार में एक बेटा हुआ एक बेटी हुई, वो इस्कॉन में गए, वो माला जपने लगे, दीक्षित हो गए, भगवधाम लौट गए, ऐसे। तो इसलिए जिनके बारे में बोलना है उनके बारे में ही बोलेंगे, बाकी लोगों के बारे में बोलने से क्या लाभ, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि इन्होंने शादी किया इनका बच्चा हुआ या ऑफिस गए अच्छा खाया अच्छा पिया अच्छा सोया मर गए, इतना ही बोल पाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने भगवान से संबंधित क्या किया है, कुछ नहीं किया, कुछ मतलब ही नहीं है ना, इसलिए बाकी लोगों के बारे में वर्णन नहीं है भागवत में। लेकिन इधर अम्बरीश शुद्ध भक्त थे कृष्ण के, तुरंत एक पूरा अध्याय उनके लिए दे दिया सुखदेव गोस्वामी ने। इसलिए परीक्षित भी पूछ रहा है इसे, अब सुखदेव गोस्वामी बोलने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीं, सात के सात द्वीप जो हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो ही राजा थे। कौन? अम्बरीश, बड़े भाग्यशाली राजा था वो। अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसाम सर्वं तत् स्वप्न संस्तुतं विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यत् पुमान। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व पर शासन किया और पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक है, ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंत तो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। तात्पर्य छोटा तात्पर्य पढ़ लीजिए। भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य है, किंतु अभक्त के लिए वही ऐश्वर्य अधिकाधिक बंधन का कारण होता है, क्योंकि भक्त जानता है कि कोई भी भौतिक वस्तु नश्वर है, जबकि अभक्त तथाकथित क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग भूल जाता है। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होता है। देखिए कुंती महारानी बता रही है, त्वाम अकिंचन गोचरम। वो बोलते हैं कि हे कृष्णा, इस दुनिया में सब जीव भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी अक्सर बोला करते थे पवर्ग के बारे में, प फ ब भ म, 5 है ना। प का मतलब परिश्रम है, इस दुनिया में लोग कठोर परिश्रम करते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए, घर बांधने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, इत्यादि के लिए। उसके कारण उनके मुंह से क्या निकलता है, फेन निकलता है। जैसे कभी गधे के मुंह में फेन निकलता है, गाय बैल के मुंह में आपने देखा होगा फेन निकलता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति बंद जाता है इस दुनिया में, क्योंकि सब सुख सुविधा सब प्राप्त होने के बाद ऐश्वर्य में जीता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, सोता है, कावा पियो मजा करो, उसमें बंद जाता है। वो छूट नहीं पाता है, जन्म मृत्यु चक्कर से वापस आ जाता है, बार बार ऐसे बंधन। और इस दुनिया में भय होता है, किस लिए भय होता है, मान लीजिए अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त हुआ नहीं, तो आपके हृदय में एक आतुरता होता है। लेकिन वह प्राप्त होने के बाद भय होता है कि कोई इसका चोरी ना कर ले। लेकिन अगर चोरी भी नहीं हुआ, आपके हाथ में है, तो उस समय भी उसका खतरा है। एक उदाहरण दूंगा मैं, आप समझ जाएंगे तुरंत। हिंजवाड़ी आप लोग जानते हैं ना, हिंजवाड़ी में 2-3 साल के पहले हुआ एक घटना। एक व्यक्ति के पॉकेट में 2 लाख रुपया था, ऐसे एक लड़का खड़ा था, वो कहीं बस के लिए वेट कर रहा था। वो तो कोई गाड़ी आया कार में, तो कार के अंदर वाला बोला कि आप वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? तो उसने सोचा कि कोई तो लिफ्ट दे रहा है, क्या समस्या है, ठीक है, बैठ गया अंदर पीछे। अंदर घुसते ही वो लोगों ने क्लोरोफॉर्म का एक कर्चिफ लेकर ऐसे मुख नाक के अंदर डाल दिया। ये तो बहुत अपने आप को बचाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो लोग ऐसे स्टफ कर दिया उसको, कितना टाइम, 3-4 मिनट ऐसे रखा था उन्होंने। तो उनके पॉकेट से पैसा निकाल लिया, इधर से उधर 500 मीटर दूर जाकर उसको दरवाजा खोलकर फेंक दिया उनको, और निकल गए पैसा लेकर। और उनके पिताजी को न्यूज मिल गया कि ये लड़का मर गया था वो, क्योंकि क्लोरोफॉर्म अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान मर जाता है। तो वो आए थे इधर उधर हिंजवाड़ी में, और वो पेपर में आया था ऐसे। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सोचते हैं कि और पैसा मिलेगा तो कितना अच्छा होता है, अगर पैसा मिल जाता तो डर होता है कोई मारे ना, हमें मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, पैसे को लूटे नहीं ऐसे। तो कोई माता जी थी, उन्होंने एक ज्वेलरी दुकान में बहुत ज्वेलरी खरीद लिया, तो सब इसके अंदर डाल दिया, क्या बोलते हैं पर्स, बड़े पर्स के अंदर। लेकिन ज्वेलरी की दुकान के बाहर ही एक चोर खड़ा है, चेन स्नैचर। अब आते ही वो चाकू दिखा रहा है, इसको दे दो हाथ में, नहीं तो चाकू से मार दूंगा तुमको। क्या करना चाहिए उनको, अंदर है 10 लाख रुपये का माल इनके पर्स में। वो माता को देने की भी इच्छा नहीं, अगर नहीं देंगे तो वो पेट में मार देगा चाकू लेकर। क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, मालूम नहीं आपको क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए ना, जान बचाना तो दे देना चाहिए। हाँ, तो बोलने का मतलब क्या, इस दुनिया में अगर पैसा नहीं तो हम लोग बहुत आतुर होते हैं, अगर मिलने के बाद भी समस्या है, ऐसा दुनिया है ये। जिनके पास नहीं है वो लोग
लोभ कर रहे हैं, जिनको मिल गया है उनको भी कतर कतरे हैं, अनेक कतरे, भय होता है इस दुनिया में। इसलिए भाग के बाद क्या आता है, मां मृत्यु, परिश्रम, फेन, बंधन, भय और मृत्यु होता है। तो इस दुनिया में इस तरह इंसान वापस लौट आता जाता है ऐसे। तो किंचन का मतलब क्या, किंचित का मतलब है कुछ होना हमारे पास, निष्किंचन का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है इस दुनिया में, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है, खुद का काम धंधा नौकरी भी नहीं है, कोई मुड़कर देखेगा आपको, कोई नहीं देखेगा, वो ऐसा व्यक्ति है किसके पास कुछ नहीं है, उसको निष्किंचन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सारी दुनिया का संपत्ति हो, जैसे अंबरीश महाराज, लेकिन उससे वो आसक्त नहीं है, उसको भी निष्किंचन बोलते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि सब धन संपत्ति किसका है, कृष्ण का है, ऐसे मान लिया उन्होंने। देखिए प्रभुपाद जी अगर मर्सिडीज बेंच में बैठकर कोई लेके जाता है उनको, नहीं तो बैलगाड़ी में बिठा कर लेके जाता है कोई उनको, फर्क पड़ेगा उनको? वो एक व्यक्ति पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आपको क्या रोल्स रॉयस में लेके जा रहे हैं, कैडिलक में लेके जा रहे हैं? प्रभुपाद ने बोला क्या किया जाए, एक असली गुरु को सोने की गाड़ी में लेके जाना चाहिए, ये लोगों के पास सोना का गाड़ी नहीं है, सिर्फ लोहा का है, लेके जा रहे हैं, चलो चलेगा, ऐसे बोला उन्होंने। ये क्यों बोला, ऐसे वैष्णव गुरु देखता नहीं कि क्यों, उनको गाड़ी का नाम भी मालूम नहीं होगा उनको, क्योंकि परवाह नहीं करते वो, बैलगाड़ी में लेके जाओ, रोल्स रॉयस में लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है उनको, क्योंकि वो समलोष्ट्राश्म कांचन है, वो लोहा और सोना को एक समान देखता है, एक परिपक्व भक्त है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बैठेंगे गाड़ी में बैठते ही हमारा नाक ऊपर हो जाता है ना, किस गाड़ी में हम बैठे हैं, रोल्स रॉयस में बैठे हैं, मर्सिडीज बेंच में बैठे हैं, तो ये हमारा समस्या है, क्योंकि हम पहचानते हैं भौतिक पदार्थों से अपने आप को। इसलिए कुंती महारानी बोलते हैं, हे भगवान कृष्णा, इस दुनिया में भौतिक पदार्थ से जो व्यक्ति पहचानता है वो अपने हृदय पूर्वक आपका नाम पुकार नहीं पाएगा, हे गोविंदा, हे गोपाला, हे माधवा, पुकार नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग में अहंकार चढ़ जाता है। अगर कोई खूबसूरत व्यक्ति हो, कोई धनी व्यक्ति हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ऊंचा कुल में जन्मा व्यक्ति हो, ये सब लोग गर्वित हो जाते हैं, गर्व के कारण आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आपको हृदय पूर्वक पुकार नहीं पाते हैं, ऐसे कुंती महारानी बोलती है। इसलिए त्वाम अकिंचन गोचरम का मतलब है, आपके पास धन हो धन नहीं हो, आपको खूबसूरत हो आप कुरूप हो जो भी हो, लेकिन हमें गर्व नहीं करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि सब धन संपत्ति भगवान के हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये ऐसे अकिंचन थे कौन, अम्बरीश महाराज, उन्होंने समझ लिया था कि अरे है मेरे पास ये सब चीज, अभी 20 30 40 साल में क्या होगा, उसके बाद क्या मैं इसका स्वामी हूंगा, ऐसे एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, ये हाथ से निकल जाएगा हमारे हाथ से, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला चीज है, ये याद रखना चाहिए। देखिए ये जो इस दुनिया का धन दौलत है उसको भागवत में विष्टा के साथ तुलना किया है, इसका कारण क्या है, मल विष्टा के साथ, क्यों, क्योंकि अगर कोई बाथरूम में जाता है मल त्याग दिया, वो देखता भी नहीं, उसको छोड़कर निकल जाता है, वो उधर ही छोड़कर पानी डालकर निकल जाता है। इसी तरह है, हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादाजी पिताजी वो सब लोग, उनके पास धन दौलत था लेकिन उसको छोड़कर निकल गए ना वो लोग, जो चीज को हम छोड़कर निकलते हैं वो मल है, इसलिए पैसे को मल से तुलना किया है। मलवत उत्तम श्लोक लालस जहौ युवै मलवत उत्तम श्लोक लालस, इसलिए लेकिन वो ही धन दौलत भगवान की सेवा में अगर लगता हो वो धन लक्ष्मी बन जाता है, वो लक्ष्मी है। अगर हम जीवों के इंद्रित्व में लगता है तो वो मल माना गया है ऐसे। इसलिए अम्बरीश को मालूम था कि जो भी है मेरे पास सब प्रभु की है, मेरा कुछ नहीं है। इसको अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं कस्टोडियन, आप जानते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम स्वामी नहीं है उसको देख रेख रखने वाले, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज ए कस्टोडियन, आई एम नॉट ओनर बट आई एम कस्टोडियन।
देखिए एक उदाहरण बोलूंगा आप समझ जाएंगे आप। अगर आपके पड़ोस के व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है कि ये जो स्टीरियो बड़ा स्टीरियो है मेरे पास, तुम्हारे पास रखो, 3 महीने में बाहर जा रहा हूं, वापस आने के बाद मैं लेता हूं, तो आपको बड़ा स्टीरियो दे दिया, यूज करना तो आप यूज करो, 3 महीना बाद में ले लूंगा। तो आप अपने घर में स्टीरियो रख दिया, रोज दिन रात आप सुन रहे हो अच्छा म्यूजिक, उसमें अच्छा लग रहा है आपको है। 3 महीना होने के बाद वो वापस लौट कर वो पूछ रहा है कि अभी मैं वापस लौट आ गया, स्टीरियो किधर है? अगर आप बोलेंगे स्टीरियो मुझे इतना अच्छा लगता है, आपको वापस लौटाने के बदले मैं रख सकता हूँ क्या, तो क्या हो गया बीच में 3 महीने में? हाँ, आसक्ति हो गया, ये समस्या है। इस तरह भगवान हम लोगों को जो भी इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग उसको लेकर आसक्त हो जाते हैं। जैसे एक छोटा लड़का आया था, उसको मैंने कुछ लिखने के लिए बोला, वो बोला कि प्रभु जी मेरे पास पेन नहीं है। ठीक, हमने एक पेन दिया उसको, तो पेन एक सोना सोना का रंग का था, वो एकदम सुनहरा पेन रंग का था। वो पेन लेकर लिखा, लेकिन लिखते लिखते पेन को भी देख लिया, अरे अच्छा पेन है, और पूछ रहा प्रभु जी ये पेन आपको चाहिए क्या, नहीं तो मैं रख सकता हूँ क्या? इसका मतलब क्या है? आसक्ति हो गया, ये समस्या। लोग इस दुनिया में आकर अलग अलग चीजों को उठाकर अपने पास रखना चाहते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और उस आसक्ति के कारण वो लोग भगवत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बार एक एक बंदर जंगल में देखा कि बड़ा बॉटल रखा गया है, उसके अंदर काजू है, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, सब रखा अंदर। बंदर ने सोचा कि कौन मूर्ख इतने अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट को छोड़कर गया है। लेकिन जो ग्लास था उसका नेक बोलते हैं ना, बहुत छोटा था, वो अंदर हाथ डाला पूरा उठा लिया, लेकिन निकाल नहीं पाया, वो निकालना मुश्किल था उसको। तो देखा कि वो शिकारी आ रहा है, तो ये बंदर दो चीज कर सकता है, क्या कर सकता है, एक तो छोड़कर निकल जाए उधर से, पकड़ा जाएगा तो शिकारी क्या करेगा, उसके कमर में एक रस्सी बांध देगा और उधर गांव में लेके जाएगा, बोलेगा अभी कूद मारा इधर से उधर उधर से इधर है। देखा ना, अपने बंदर को लेकर करते हैं ऐसे। तो इस तरह पर ये जो था अम्बरीश, ये अनासक्त था, इसका मतलब नहीं है कि घर की जिम्मेदारी को नहीं निभाया, ऐसा नहीं है। इसकी पत्नी थे, उनके बारे में बाद में बात आता है, महिष्या तुल्य शीलया, वो भी जैसे अम्बरीश महाराज जैसे ही भक्ति में श्रेष्ठ थी, वो भी उनकी धर्म पत्नी भी दोनों भक्ति में श्रेष्ठ थे और भक्ति में जुड़े थे, सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाया ऐसे, इसलिए वो शांत मन वाले थे, भगवत भक्ति में डूबे थे। देखिए इधर बताया गया अगले श्लोक में, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्ट्रवत् स्मृतम्। हाँ पढ़िए। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। तो यही महान पुरुषों का एक लक्षण है ना? वो आपने देखा होगा, वो तुकाराम मूवी में आपने देखा होगा, देखा एक बार जब शिवाजी महाराज अपने सब मंत्रियों के साथ आए थे, तुकाराम कहीं तो बाहर गए थे, तो तुकाराम के पत्नी बच्चे उनको उन्होंने क्या क्या दिया, अलग अलग आभूषण दिया, कंकण दिया, अच्छे अच्छे कपड़े दिया महंगे, तो उनकी पत्नी बहुत खुश हो गई तुकाराम की है, तो अलग अलग कपड़े पहन कर देखा कैसे दिख रहा है, आईने में देख रहे थे और सब बच्चों को भी पहनाया। लेकिन तुकाराम आते ही क्या किया उन्होंने, सब उठाकर फेंक दिया, बोला कि ये आने से गर्व चढ़ जाएगा हमको, ये हमारा सामान नहीं है, भगवान ने विट्ठल ने जो दिया है उसको स्वीकारो, खुश रहो उसमें ऐसे। लेकिन आजकल के जमाने में ऐश्वर्य बढ़ गया लोगों के जीवन में, आजकल कोई भी सारे दुनिया में लोग घूमते हैं, गल्फ में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, सब लोग पैसा बहुत पॉकेट में आ गया लोगों के, तो इसके कारण लोगों का नशा भी चढ़ गया बहुत, लोगों के अंदर अच्छा संस्कार आदत व्यवहार सब छूट रहा है। क्योंकि अगर धन आ जाता है हमारे पॉकेट में, लेकिन हमें वैष्णवों की संग नहीं है जीवन में, वही पैसा हमारे हमें अधोगति में पहुंचाएगा, नरक लोक में पहुंचाएगा वही पैसा, क्योंकि पैसा को लेकर लोग गलत व्यवहारों में पड़ जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे उसमें। लेकिन अम्बरीश बड़ा भाग्यशाली था,
पैसा था बहुत, वो तो सारे दुनिया का राजा था, लेकिन उसने सारे दुनिया को कैसे देखा, एक पत्थर के समान देखा उन्होंने। तो ये सीखने लायक चीज है हमारे जीवन में, सोचने लायक बात है कि जो भी है हमारे पास, या तो पैसा निकल जाएगा हमारे हाथ से, नहीं तो हम निकल जाएंगे पैसा छोड़कर। पैसा रहेगा बैंक में, हम निकल जाएंगे उस परिस्थिति से। ये सोचने लायक चीज है, हर एक इंसान को सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में पैसा एक व्यक्ति के पॉकेट में हमेशा नहीं रहता, वो खुद मारती रहती है लक्ष्मी। उसका नाम क्या है इस दुनिया में, चंचला नाम है। आज कोई करोड़पति है, अगले दिन वो भिखारी बन जाता है। कोई आज भिखारी है, करोड़पति बनता है। लेकिन इस दुनिया में ऊपर नीचे परिस्थिति आता है जाता है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए इंसान को काम करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में ना बदलने वाली चीज क्या क्या है जरा सोचिए। भगवान कृष्ण हमेशा भगवान रहेंगे, और महामंत्र जो हमेशा वही मंत्र रहेगा। आत्मा जो है वो अजर अमर है, वो कभी मिटेगा नहीं। आत्मा आत्मा परमात्मा के बीच में जो संबंध है कभी मिटेगा नहीं, और मृत्यु के बाद भी परमात्मा साथ में आएंगे आत्मा के साथ। ऐसे एक गीत है कि बेटा जो है, रिश्तेदार जो है आपके घर तक आते हैं, और जो धर्म पत्नी है, जब एक इंसान मर जाता है तो वो गली तक जाती है, वो उसके बाद रोती हुई वापस लौट जाती है। और बेटा जो है श्मशान तक जाता है, श्मशान के बाद आत्मा आगे अपने प्रयाण में जब चलती है आत्मा, तब साथ में आने वाला कौन है, ऐसे पूछते हैं। कौन? परमात्मा है। इसलिए वही हमारे सुहृत है, इसलिए हमें उनके साथ संबंध को जगाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परिवार को भूल जाओ, बच्चों को भूल जाओ, काम धंधा भूल जाओ, और परमात्मा की खोज में आप सब भूल जाओ, ऐसा नहीं शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र बताया गया कि तुम जिस तरह अभी पैसा इकट्ठा कर रहे हो पेट भरण के लिए, कुटुंब भरण के लिए, इस तरह तुमको भगवत कैंकर्य करके भक्ति सुकृति को भी हासिल करना होगा तुमको, नहीं तो मृत्यु के बाद क्या आएगा हमारे साथ। भगवान के लिए किया हुआ कहीं करिए जो वही आने वाला है आपके साथ। तो ये बात है, तो अम्बरीश बुद्धिमान था, इसलिए वो हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। इसके कारण सारे दुनिया को एक पत्थर के समान देखा हो तो दुनिया छूट जाएगा हमसे। हम तो परिवर्तित अलग अलग परिस्थितियों में हम एक परिवार छोड़कर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे हम चले जाते रहते हैं। तो उसने कैसे ऐसे भक्ति प्राप्त किया पूछेंगे। अभी अगले श्लोक दो श्लोक में सुंदर एक श्लोक आता है, सब लोग बोले। सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर, अपने मन से वो सदा कृष्ण की पद कमलों का स्मरण किया। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वाक शक्ति से उन्होंने भगवान कृष्ण की वैकुंठ कथा, कृष्ण कथा का वर्णन किया। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथ से मंदिर की मार्जन किया। जैसे आज अनेक लोगों ने गुंडीचा मार्जन किया लोगों ने, ऐसे हर दिन वो करता था मंदिर का मार्जन। श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदये, अपने कान से भगवत कथा श्रवण किया। जैसे आप लोग बैठकर श्रवण कर रहे हो रुचि के साथ, ऐसे वो श्रवण कर रहा था। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, अपने आंखों से भगवान की मंदिरों में जो श्री विग्रह है उनका दर्शन किया। तद्वृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, तो अपने हाथ से भगवान के भक्तों का श्री चरणों को पदकमलों को छूया उन्होंने। ऐसे ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपने नाक से उन्होंने क्या किया, भगवान को अर्पण किया हुआ फूल हम सूंघते हैं ना, ऐसे सूंघा उन्होंने। श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते, अपने जीवा से वही प्रसाद काया जो तुलसी के साथ भोग चढ़ाया गया है भगवान को। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने पदकम अपने पांव को लेकर वो मंदिर
जाने के लिए इस्तेमाल किया अपने पांव को, जैसे पांव से हम चलते हैं ना, चलते चल चल कर मंदिर पहुंच जाता था वो ऐसे अपने पांव से। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सर को झुकता था वो भगवान के मंदिरों में, भगवान के सामने जैसे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। कामम च दास्येन तु काम काम्यया, इस तरह उन्होंने अपने इच्छाओं का गुलाम नहीं बने लेकिन अपने सब इच्छाओं के ऊपर उठ गए, ऐसे बताते हैं। यतोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही, इस तरह बताया गया कि भगवान जैसे प्रहलाद जैसे भगवान के लिए अगर किसी ने रति आसक्ति जगा दी अपने हृदय में, वो लोग अपने सब इंद्रियों को अपने वश में ला सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। इस तरह का अनुवाद है, सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक कोट करते थे, सवे मन कृष्ण पदारविंदे। तो हम बच्चों का एक गीत गाते हैं, उसमें हमारे भक्ति वेदांता मॉडल स्कूल के बच्चे, आई यूज माई आईज टू सी कृष्णा, सी कृष्णा सी कृष्णा, आई यूज माई आईज टू सी हिम, ऐसे गीत गाते हैं। आई यूज माई इयर्स टू हियर अबाउट कृष्णा, आई यूज माई टंग टू टेस्ट कृष्ण प्रसाद, लाइक दैट। तो उसका गीत का मतलब क्या है, हम सब इंद्रियों को हम भगवत कैंकर्य में ही लगाएंगे, इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तर्पण में नहीं लगाएंगे। ऐसे करने से क्या होता है, इंद्रिय दिव्य बन जाते हैं। जैसे एक लोहा को आग में डालने से क्या होता है, लोहा भी तप जाता है, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, तो वो लोहा भी एक कागज को जला सकता है। ऐसे बता रहे हैं इधर अपने सब इंद्रियों को उन्होंने दिव्य बना दिया। कैसे आपको मालूम कि आपके इंद्रिय दिव्य बन गए? आप देखेंगे इस दुनिया के गंदगी से हमारे इंद्रिय आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन अगर हम गंदा पोस्टर देखते हैं हम आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इंद्रियों में अभी तक इंद्रिय दूषित है। लेकिन दूषित इंद्रियों को पवित्र करने के लिए इंसान को सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, ऐसे इन्होंने जोड़ा, ये वर्णन किया गया इधर। तो ये एक रहस्य बताया गया है इधर हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने इंद्रियों को भौतिक पदार्थों से हटाकर भगवान संबंधित विषयों में लगाने से धीरे धीरे हमारे मल जो है हमारे चित्त में वो मिटता जाएगा। वो एक श्लोक बोलेंगे, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। दो विषय बताया गया, सब उपाधियों से ऊपर उठकर एक व्यक्ति अपने हृदय को निर्मल करके अपने इंद्रियों को भगवत कैंकर में लगाता है, वो भक्ति कहा गया, ऐसे बताते हैं। तो ये इनका भक्ति के वर्णन है, सरल श्लोक है, आप लोगों को समझने में कुछ मुश्किल नहीं है ये श्लोक, लेकिन करना मुश्किल है। ये जो कर रहा है अम्बरीश ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग करोड़ों जन्म इस दुनिया में अलग अलग योनियों में घूम घाम कर आए हैं, इसलिए सब इंद्रियों को समर्पण करना भगवान की ओर, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन महिमिमां तन्निष्ठ विप्रा विहित शशाशः। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। देखिए ब्राह्मण लोग जिन जो इनको उपदेश देते थे अम्बरीश को, उन्होंने बोला अम्बरीश तुम शुद्ध भक्त बन गए, इसके कारण सब जीव तुमको देखकर तुमसे आकर्षित हैं, तुम्हारे मंत्री लोग तुम्हारे इच्छा अनुसार इतना अच्छी तरह राज्य चला रहे हैं, तुम 24 घंटा भक्ति में लगो और
उन्होंने बोला कि सारी दुनिया का शासन का काम तुम्हारे मंत्रियों को सौंपा दो और इस तरह तुम्हारी प्रेरणा से ही तुम्हारे सारे राज्य चलेगा बहुत अच्छी तरह। ऐसे ब्राह्मणों ने इनकी आशीर्वाद दी इनको। तो इस तरह इधर इधर बताया गया कि कैसे तन्निष्ठ विप्राभिहित शशासः, तो ब्राह्मणों ने उनको विधिवत कैसे सारे दुनिया को चलाना इसके लिए उन्होंने उनको उपदेश दिया कि तुम जब सब इंद्रियों को संयम करके भगवत कैंकर में लगा देते हो तब तुम गोस्वामी हो जाते हो और इसके कारण सब सारे मंत्री तुम्हारे आधीनता में रहकर काम करेंगे और सारे दुनिया को चलाएंगे। तो इस तरह वो चलाता रहा अम्बरीश महाराज। उनके राज्य के संबंध में आप पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे कैसे उन्होंने ब्राह्मणों को पूछे बिना कभी भी कुछ भी नहीं करता था, वो हमेशा उनका उपदेश लेता था वो। तो इससे पता चलता है कि राजाओं को कैसे चलाना चाहिए अपने अपने राज्य को। तो उस श्लोक के तात्पर्य में आप तात्पर्य देखिए, षटकर्म निपुणो विप्रो श्लोक है ना, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ उसका आगे का। आधुनिक समय में विधान सभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हों। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को न तो व्यवसायिक राजनीतिज्ञ होना चाहिए, न ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रत्युत उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राजा अध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने के लिए भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उनके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए जिससे उनका चरित्र स्वतः उत्तम हो। यस्य अस्ति भक्ति भगवत। करेक्ट। देखिए पहला योग्यता क्या है राजा के लिए, वो भगवान का भक्त होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, वो चरित्रवान होना चाहिए। अगर चरित्रवान नहीं होगा वो स्त्रियों को माता के रूप में आदर देना चाहिए, और जो कमजोर प्राणियां हैं जैसे गाय है, ब्राह्मण है, स्त्री है, बूढ़े हैं, तो ऐसे लोगों को पोषण देना चाहिए वो। तो प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। सर्वप्रथम तो भगवान का भक्त होगा तो सारे प्रजा को भक्त बना देगा वो। आप आगे बढ़ेंगे, अम्बरीश के राज्य में कोई भी प्रजा नहीं था जो स्वर्ग भी नहीं चाहता था। वो लोग सीधा वैकुंठ की ओर देख रहे थे वो, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे सबके सारे प्रजा भक्त बन गए थे। देखिए वो यशास्त्री भक्ति भगवत किंचना, वो ट्रांसलेशन के बाद पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने के लिए राज्य में नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है। आजकल आप देखेंगे इनकम टैक्स जो है, उस जमाने में इनकम टैक्स एकदम सरल था, मालूम है क्या, आप जो भी कमाते हो 25% सरकार को दे देना बस, बाकी 75% आपका होगा। लेकिन आजकल एक रूल बनाते हैं तो लोग उससे बचने के लिए इंसान कुछ उपाय करता तो गवर्नमेंट दूसरा रूल लाता है, तीसरा, चौथा। तो इधर अलग 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 अनेक टैक्सेस भी हैं, कार टैक्स है, सेल टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, ऐसे। तो सरकार भी कभी कभी लोगों को शोषण करके कर वसूल करना चाहता है और लोग भी वो टैक्स से बचने के लिए क्या क्या उपाय ढूंढते हैं। लेकिन इधर प्रभु जी बता रहे हैं कि जब राजा और प्रजा दोनों भक्त रहेंगे, शोषण करने की भावना नहीं रहेगा, ऐसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहा हो, एक लड़का सोचता है कि कंपनी मुझे 40,000 दे रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इनको सिर्फ 20,000 का काम करूँगा बस, बाकी कंपनी का टाइम मैं इस्तेमाल करके मेरे खुद का कुछ काम करूंगा, ऐसे वो सोचता है। मालिक लोग क्या सोचते हैं, इसको हम 40,000 देंगे लेकिन 4,00,000 का काम करवा लेंगे। तो दोनों के अंदर क्या भावना है,
हाँ शोषण भावना है इसे, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं कभी भी वो शोषण करने की भावना नहीं रहेगा, वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। पढ़िए। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पथ प्रदर्शन करती है तो वह राज्य भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में होता है। अतएव विश्व के सारे राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। करेक्ट। सर्वप्रथम चीज है, हम लोगों को यह सीखने लायक चीज है, पर जीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए, ये पहला चीज है, क्योंकि सब जीव भगवान के ही बच्चे हैं। वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, नहीं तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, ये मुर्गी हो, बकरा हो, किसी को क्लेश नहीं देना चाहिए हमें। ये वसुधा एव कुटुंबकम, ये भगवान का एक ही कुटुंब ऐसे देखना चाहिए, ये पहला चीज है। शोषण करने की भावना को हमें त्याग देना चाहिए। ये सब तब हम कर सकते हैं जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं। अम्बरीश महाराज जैसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, हमें जाने लायक बहुत कुछ चीजें हैं इसमें। और इतना ही नहीं, परजीवों को क्लेश न देना तो एक बात है, लेकिन परम सत्य भगवान वासुदेव कृष्ण को मानकर उनके इच्छा के अनुसार हमारे जीवन चलाना चाहिए। अम्बरीश महाराज जैसे हर दिन मंदिर में जाते थे, तो दो दिन पहले हरिपरिषद प्रभु ये क्लास दे रहे थे, उन्होंने हम सबको पूछा कि हम लोग मंदिर में क्यों जाना है। अनेक लोग बोलते हैं कि अरे भगवान तो सब जगह में है, मंदिर में क्यों आप जाते हो। तो उन्होंने बताया जब ब्रह्मा जी अज्ञानी थे शुरुआत में, तब ये एक ही कमल के ऊपर बैठकर ध्यान लगाया, तपस्या किया उन्होंने, पूरा अंधकार ही अंधकार था उस समय, लेकिन तपस्या करके उनका चित्त शुद्ध होने के बाद अंधकार मिट गया, रोशनी छा गया, भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों को देखा, नूपुर देखा, और उनके धोती जो चमक रहा था जैसे सूर्य के समान उसको देखा, उसके बाद रत्नों से मंडित एक बेल्ट को देखा, उसके बाद भगवान विष्णु के वक्षस्थल को देखा, और उनके नीले नीले चार भुजों को देखा, शंख चक्र गदा पद्म, उसके बाद मुस्कुराने वाले चेहरे को देखा उन्होंने, तब समझ गए भगवान हरि इधर खड़े हैं। तो तब भगवान हरि ने उनको सदुपदेश दिया। तो उसके बाद कभी भी ब्रह्मा जी को भगवान के साथ कुछ बात करना हो, वो हमेशा क्या करेंगे, सब देवताओं को लेकर वो क्षीरोदाक्षा विष्णु को मिलने के लिए दुग्ध सागर के सामने चले जाएंगे। तो ब्रह्मा के लिए वो मंदिर है, तो हमारे लिए वृंदावन चंद्र मंदिर है। तो बोलते हैं वो प्रभु जी ने बोला कि ब्रह्मा का दिव्य ज्ञान जगने के बाद हमेशा भगवान को व्यक्तिगत रूप में देखने के लिए जाते थे उधर दुग्ध सागर में। ऐसा नहीं कि ब्रह्म लोक में ही बैठकर ध्यान लगाकर भगवान को देखते थे, नहीं, वो दुग्ध सागर में जाकर देखते थे। इसी तरह अम्बरीश भी, हालांकि बड़ा राजा था सारे दुनिया का, लेकिन भगवान का दर्शन रोज करता था मंदिर में जाकर। तो सीखने लायक चीज है हमारे लिए, है हम मंदिर में नियमित रूप से जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए, सर झुकना चाहिए, चरणामृत प्राप्त करना चाहिए, फूल जो भगवान को अर्पण किया हुआ फूल सूंघ कर प्रार्थना करना चाहिए कि फूल को सूंघने से मेरे सब भौतिक इच्छाएं मिट जाए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ये सब हम करेंगे तब तो हम शुद्ध होकर ऊपर उठेंगे। अम्बरीश महाराज की ये सब अच्छी आदतें थी तो बताया गया है। तो आगे बताया गया कि उन्होंने वशिष्ठ, असित, गौतम ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाकर अनेक तरह के यज्ञ किया उन्होंने भगवान विष्णु की खुशी के लिए। आगे 23वां श्लोक में बता रहे हैं, तो उनके यज्ञ में बताया गया कि सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते थे, और सब लोग देवता जैसे ही दिखते थे, ऐसे बताया गया है। एक एक शब्द इस्तेमाल किया है अनिमिषाहा, अनिमिषाहा का मतलब देवता लोग उनका पलक झपकता नहीं कभी, इस तरह सब लोग आश्चर्य होकर ऐसे देखते थे यज्ञ को, ऐसे देखते थे कि कभी उनका पलक झपका नहीं, ऐसे बता रहे हैं, ऐसे उनका यज्ञ बहुत अच्छा होता था। 14वां श्लोक देखिए, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजै रमर प्रियः श्रृण्वद्भिर् उपगायद्भिर् उत्तम श्लोक चेष्टितम्। इधर बताया गया है
स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य, स्वर्ग जाने के लिए उनकी प्रजा कभी प्रार्थना नहीं किया बोलते हैं। मनुजैर, हमारा प्रिय है वो, ये मनुष्यों को अम्बरीश महाराज की प्रजा को देखकर देवता लोग भी बहुत प्रेम करते थे उनको, लेकिन आप देखते हैं कि इनको स्वर्ग जाने की कभी इच्छा नहीं था इनको, कारण क्या है बताते हैं। श्रृणवद्वीर, भगवान हरि के संबंध में कथा श्रवण किया इन्होंने, सुन सुनकर उनको स्वर्ग ना जाना लेकिन वैकुंठ जाने की इच्छा प्राप्त हो गया। उपगायद्वीर, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग सुनते थे, वो भी दूसरों को बोलते थे कथा। उत्तम श्लोक चेष्टितम, भगवान की लीलाओं के संबंध में। तो हम लोग भी अगर भगवान की लीला कथा सुनते जाएंगे तो हम भौतिक पदार्थों के ऊपर हमारा आसक्ति है वो, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। भगवत धाम में सब चिंतामणि से बनाया गया है। तो ये, लेकिन आजकल आप देखते हैं एक कोई बिकपंगा भी हो कोई व्यक्ति, उसके झोपड़ी के ऊपर भी डिश एंटीना है, देखा ना आपने, डीटीएच। आप देखते हैं ये स्लम में भी, झोपड़ी पट्टी में भी आप देखते हैं, उधर भी टीवी देख रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि इनको ऊंचा रस प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। अगर किसी को ऊंचा रस प्राप्त हो गया, ये डीटीएच लेकर क्या करेंगे, टीवी क्या देखेंगे? तो वो तो भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, करेक्ट है ना? तो इसलिए बता रहे हैं कि इनकी प्रजा का आस्वादन कैसे ऊपर उठ गया, तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा टेस्ट क्या है। देखिए, जो लोग पहले मांस अंडा इत्यादि खाते थे, वो लोगों ने छोड़ दिया भक्ति में आने के बाद, है ना, क्योंकि अभी ऊंचा रस का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। जैसे अभी प्रसाद खा रहे हैं, वो कभी नहीं खाएंगे। लेकिन कभी कभी ट्रेन में जाते समय कोई बज्जी लेकर जा रहा है, सुगंध आता है बज्जी का, है ना, उनको कहते हैं इतना अच्छा बज्जी है, फिर भी आप नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? वो प्रसाद नहीं है, भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, आप नहीं खाएंगे, है ना। लेकिन कभी कभी आकर्षण होता है। लेकिन अगर हमारा ऊंचा रस इसी तरह भक्ति में आस्वादन हो गया, हम लोग छोटे छोटे इस दुनिया के क्षणभंगुर सुख जो है, क्षणिक सुख, उनमें हम सुख नहीं लूटेंगे, हम ऊपर उठ जाएंगे। आजकल देखता हूं कभी 70-80 वयस का व्यक्ति भी अगर क्रिकेट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, नहीं तो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वो भी देखता है, ताली बजा रहा है, वो आनंद लूट रहा है उसमें। हो गया बुढ़ा, बाल पक गया, फिर भी पहले जो रुचि था क्रिकेट देखने में अभी तक छूटा नहीं। इस तरह कुछ लोग, बूढ़े लोग भी 6-6 घंटा देखते हैं टीवी, क्योंकि अभी तक भक्ति रस को उन्होंने जगाया नहीं। तो इसलिए, लेकिन कब जगाएंगे हम? जैसे इधर बताते हैं अम्बरीश महाराज हर दिन मंदिर में जाते थे, हैं भगवान का दर्शन करते थे, श्रवण करते थे, तो इसके बिना हम ऊंचे आस्वादन को जगा नहीं पाएंगे, हम जगा नहीं पा सकते हैं। तो सारे प्रजा को उन्होंने कृष्ण का भक्त बना दिया, वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते थे वो लोग। देखिए, स्वर्ग कौन जाना चाहता है? प्रभुपाद जी ने बोला, इस्कॉन के अनेक भक्त लोग स्वर्ग में, स्वर्ग तक जाने की संभावना है, प्रभुपाद जी ने बोला। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी हम लोग तो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हमको वैकुंठ जाना चाहिए, स्वर्ग क्यों जाएंगे? प्रभुपाद बोला, अरे क्या करे, भक्ति में आने के बाद भी लोगों के हृदय में ये इस दुनिया के भौतिक आकर्षण छूट नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके भक्ति में तीव्रता नहीं है। ऐसे जैसे आपने देखा है, जो तवा है, अगर आपका आग जो लगाया है उसमें तीव्रता नहीं है आग में, तो आप डोसा बनाते हैं ना, डालिए चिपक जाता है, चपाती हो डोसा चिपकता कि नहीं? इस तरह हमारे भक्ति में तीव्रता नहीं है, तो हम इस दुनिया में चिपक जाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं। लेकिन अगर आग एकदम तेजोमय है, तो डोसा डालिए निकल जाएगा वो आसानी से, करेक्ट है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि इस्कॉन में देखिए, कोई आता है उधर गोविंददास में आता है पहले, कुछ लोग गोविंददास में काकर निकल जाते हैं, आते ही नहीं। तो कभी गोविंददास में काते वो देखते हैं हरिनाम चल रहा है बाहर, लोग पूछते ये क्या है, तो भक्त लोग हरिनाम कर रहे हैं, तो वो भी ताले बजा कर सुनता है, अभी थोड़ा सुकृति बढ़ गया उसका, है ना। उसके बाद क्या करता है, ऐसे ताले बजाते देखता है कि गोपुरम दिख रहा है वृंदावन चंद्र जी का, वो क्या पूछता है, मंदिर है, ठीक है चलो हम दर्शन लेकर आते हैं, तो
थोड़ा सुकृति बढ़ता है तभी तो अंदर आता है मंदिर के अंदर, तभी दर्शन करके निकल जाता है। तो ऐसे और आगे जाकर उसको लगता है कि अरे महीने में एक बार जाना चाहिए कम से कम दर्शन लेने के लिए, दर्शन निकल जाता है। कोई भक्त बुलाता है उसको, माला दे देता है, माला चालू करो। अभी माला आने के बाद तो रोज सुकृति बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे कंठी माला आ जाता है, धीरे धीरे जप माला आ जाता है, जप जप करता है, ऐसी सुकृति बढ़ता जाता है व्यक्ति का। तो वो बढ़ने के बाद आप देखेंगे उसको ऊंचे आस्वादन प्राप्त होता है भक्ति में, भगवान में, भक्तों में, भक्ति में, शास्त्रों में, हरिनाम में। तो यही बता रहे हैं, इस तरह हम लोगों को भी ऊंचे आस्वादन प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर सूखा रोटी हो, आप किसी को नहीं देंगे जब तक आपके पास बाकी कुछ नहीं खाने के लिए, लेकिन बड़ा महाप्रसाद प्लेट मिल जाता है तो आप सूखा रोटी को फेंक देंगे आप, है ना। इस तरह हम लोग कभी कभी क्षण क्षणिक सुख के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ऊंचा रस नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन अम्बरीश को प्राप्त हुआ था, अम्बरीश के सब प्रजा ऐसे ही थे। संवर्धयन्ति यत्कामाः स्वराज्य परिभाविताः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यतः। पढ़िए अनुवाद। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण हैं, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। देखिए, सदा हम कृष्ण का चिंतन हमारे हृदय में कैसे कर पाएंगे? जैसे एक माता अपने बच्चे का चिंतन सदा करती है, उसके अनुपस्थिति में भी करती है, क्योंकि उसके साथ उन्होंने बहुत आदान प्रदान किया है। बच्चे के साथ बच्चे को नहलाया है, धुलाया है, कपड़ा पहनाया है, डेकोरेशन किया है, वो बच्चा जाने के बाद भी उसका स्मरण आता है। तो हम लोग भी भगवान के शिव ग्रह का उनको नहलाएंगे, उनको पहुंचेंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे, आभूषण पहनाएंगे, उनकी आरती उतारेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, उनके लिए गाना गाएंगे, और उनके देह उनके उच्चिष्ट जो प्रसाद उसको पाएंगे। तो इस तरह करने वाले लोगों को प्रभु जी बताते हैं, ऐसे पुजारी को भगवान के सुंदर रूप का स्मरण मृत्यु के समय उसका याद आ जाता है, भगवान को स्मरण करते करते वो भगवद्धाम लौट जाता है ऐसे। तो इधर एक रहस्य बताया गया है हमको कि हमारे भगवान के ऊपर लगन तब बढ़ता है हम जब घंटों घंटे उनके साथ संग करते हैं, उनके कथा का श्रवण, उनके शिव विग्रह का दर्शन, उनके नामों का उच्चारण, उनके भक्तों का संग, उनके इस तरह की चीजों से बढ़ता है ऐसे बताते हैं, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण। तो इधर उनके लोगों के बारे में बताया गया, वो सब लोग भगवान मुकुंद को अपने हृदय में सदा स्मरण करते थे ऐसे। सयत्तम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनैर्जहौ। इस तरह इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने उनका तपस्या क्या था? भगवान के लिए गढ़ों में पानी लेके जाना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, भगवान के वैष्णव भक्तों को सेवा देना, ये उनकी तपस्या थी। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करने हेतु धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। हाँ, देखिए इधर बताया गया है राजा ने कैसे अपने भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे त्यागा। इसका मतलब भौतिक इच्छा रातों रात नहीं निकलेंगे, इसलिए आप देखेंगे माया भी छूटता नहीं, भगवान भी पकड़ में नहीं आते। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों के बीच में कौन है? गुरु जी है, उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कौन है? जिनका माया छूट गया, भगवान भी पकड़ में आ गए, उनको पकड़ने से हम भगवान हमारे पकड़ में आते हैं। इसलिए आचार्य हैं प्रभुपाद जी, उनकी तात्पर्य में दिए हुए विधि विधानों को सावधानी से पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे इधर बताते हैं शनै शब्द है ना, कामान शनैर जहौ, तो मतलब अचानक हम भौतिक इच्छाओं को एक रातों रात हम त्याग नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक गीला टवल होता है ना, एक कपड़ा है, उसको आपने एक बबुल के पेड़ के ऊपर डाल दिया सुखाने के लिए, लेकिन कोई भक्त आपको बोल रहा है नहीं नहीं प्रभु जी अभी 10 मिनट में निकलना है हमको, कपड़ा ले लीजिए,
तब तुरंत आकर उस टॉवल को लेकर आप खींचेंगे तो क्या होगा, क्र करके टूट पूरा फट जाएगा वो, है ना। लेकिन अगर कांटा के ऊपर डाला तो उसको धीरे से निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। इसी तरह इस दुनिया में भी भौतिक इच्छाएं आसानी से छूटते नहीं, लेकिन भक्ति करने से बता रहे हैं कि सर्वान कामान शनैर जहो, धीरे धीरे उन्होंने अपने सब भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ गया है। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया वो तात्पर्य में बताया गया है, पढ़िए तात्पर्य। भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने का मार्ग क्या है, प्रभु जी बताते हैं तात्पर्य में। भक्ति के अभ्यास में की गई कठिन तपस्याएं कई प्रकार की होती हैं। उदाहरणार्थ मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में श्रम साध्य कार्य करने होते हैं। श्री विग्रह राधन नित्य नान श्रृंगार तन मंदिर मर्जनाद। मनुष्य को अर्चा विग्रह को अलंकृत करना चाहिए, मंदिर साफ करना चाहिए, गंगा तथा यमुना से जल लाना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, कई बार आरती करनी चाहिए, अर्चा विग्रह के लिए उत्कृष्ट भोजन तैयार करना चाहिए, वस्त्र तैयार करने चाहिए आदि आदि। इस तरह विविध कार्यों में सदैव हमारे राधा वृंदावन चंद्र का भी कितना सुंदर कपड़े पहनाते हैं, देखा आपने, ये आभूषण बनाते हैं उनके लिए, उनके लिए हार बनाते हैं रोज। कुछ कुछ माताएं 6 घंटा करते हैं हार, तो उनके कपड़े तैयार करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, आपने देखा कितना सुंदर कपड़े हैं। तो भगवान के श्री विग्रह की पूजा में अनेक लोगों को सेवा प्राप्त होता है, भगवान के लिए 6 बार भोग होता है। तो एक व्यक्ति आया था हमारे कुंज बिहारी मंदिर में, तो वो होली मिशन नाम के एक दूसरा संस्था है, उधर वो काम करता था पहले। तो कुंज बिहारी मंदिर में आकर उन्होंने देखा, राधा कुंज बिहारी को देखा कि बहुत अच्छा लगा उनको, तो मुझे आकर पूछा उन्होंने, प्रभु जी आप लोग साल में कितने बार कपड़े बदलते हैं, ऐसे पूछा उन्होंने। मैंने बोला क्या आप बोल रहे हो, दिन में 2 बार बदलते हैं, सुबह 1 बार और रात को सोते समय नाइट ड्रेस दूसरा। तो भगवान 2 बार बदलते हैं और वो कितने बार चढ़ाते हैं, 6 बार। तो सुनकर बेहोश हो गया वो। तो उसके बाद उन्होंने हमारे भक्तों को बुलाया अपने मंदिर में, उनके पास राधा कृष्ण है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, दोनों है उनके मंदिर में, बड़े बड़े डेटिस थे। तो हमारे भक्त लोग जाकर उनको सिखाया कैसे कपड़े पहनना भगवान के शिव विग्रहों को, कैसे पूजा आराधना इत्यादि करना। बाद में वो व्यक्ति इस्कान में अभी दीक्षित होकर भक्त बन गया हो, उन ऐसे भक्ति में जुड़कर उन्होंने अनेक लोगों को भी भक्ति में लाया पुणे में। अभी वापस वो पुणे में ही रहते हैं आजकल, इधर भी आते हैं प्रभु जी। तो इस तरह आप देखेंगे भगवान के शिव विग्रह की आराधना सेवा में बहुत पसीना छुटाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई पसीना छूटने के लिए तैयार है भगवान की सेवा में, तो उसके हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं, उसके लिए जो तैयार रहते हैं। लेकिन ये कसरत करने के लिए तैयार होना चाहिए। भौतिक दुनिया में तो लोग कसरत करते ही हैं, लेकिन भगवत भक्ति में जो कसरत करेगा उसको भक्ति प्राप्त होता है। ये बता, ये तपो दिव्यम पुत्र का ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी, ये तपस्या हमें करनी चाहिए। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु विपोत्तमस्यन्दनवाजि वस्तुषु अक्षय्यरत्नाभरणाम्बरादिषु अनन्तकोशेषु वकरोदसन्मतिम्। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। हाँ, देखिए आजकल एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी झोपड़ी छोड़ नहीं पाता है, लेकिन इनके पास क्या नहीं था पूछिए। सारे दुनिया का राजा थे, बड़े महल था, पत्नी थी, बच्चे थे, राज्य थे, मिनिस्टर लोग थे, हाथी घोड़े थे, यश था सारी दुनिया के। लेकिन एक दिन अम्बरीश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर बोला कि मेरा उम्र बढ़ रहा है, मुझे अभी वानप्रस्थ करके और भक्ति में तीव्र बनना है। तो मंत्री लोगों ने पूछा कि तीव्र क्या बनना, ऑलरेडी आप इतने तीव्र हैं। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में लाखपति बन जाता है, क्या तृप्त हो जाता है क्या, वो क्या बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। इस तरह भगवान के भक्त भी अपने भक्ति से कभी तृप्त नहीं होते और भक्ति करना चाहते हैं।
एक श्लोक है इनका रूप गोस्वामी का, विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः, ऐसे एक श्लोक है। एक लोभी, मान लीजिए कोई सेठ जी, वो क्या करता है, वो दिन भर पैसा कमाता है, रात के समय पैसा का नोट गिनता है, आज मैंने कितना कमाया और कितना मैं कमाऊंगा कल, ऐसे योजना भी बनाता है वो। तो ये बताते हैं कि कृपणस्य धनानीव, ये बताते हैं कि जो कृपण व्यक्ति धन के बारे में हमेशा चिंतन करता है, ऐसे इस तरह मैं मेरे माला लेकर भगवान का नाम गिनती करते जाऊं करते जाऊं, रात में हमें देखना चाहिए कि आज कितना माला हो गया और कितना माला और आगे ज्यादा करो, ऐसे एक व्यक्ति को देखना चाहिए। क्योंकि सेठ जी लोग पैसा जब गिनते हैं आवाज आता है, ऐसे देखा आपने, और एक भी नोट मिस नहीं होता, सावधानी से गिनते हैं एकदम तेजी से, देखा ना आपने। तो जिस तरह वो नोट गिनने में बड़े निपुण है, इस तरह हमें माला गिनने में निपुण होना पड़ेगा हमको इस तरह। क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, उसको मणि मणि बोलते हैं, लेकिन ये चिंतामणि है, ये दिव्य है, उसका मणि का चिंता है, हमारा चिंतामणि है, करेक्ट है ना, ऐसे भक्ति सांत महाराज बोलते थे ऐसे। तो हम लोग माला इस तरह गिन कर भगवत भक्ति में रुचि जागृत करेंगे, तभी इस तरह अंबरीश महाराज जैसे हम अनासक्त होकर ऊपर उठ सकते हैं। अनासक्त का मतलब नहीं है कि इन्होंने सब छोड़कर जंगल चले गए, ऐसा नहीं है, राज्य में रहते हैं, पत्नी भी है बच्चे भी हैं, लेकिन सब लोग भक्ति में जुड़े हैं, राजा भी जुड़ा है प्रजा भी जुड़ा है, सब तृप्त है। क्योंकि जब जीवों के अंदर शोषण करने की भावना मिट जाता है, ये दुनिया ही वैकुंठ बन जाता है, क्योंकि वैकुंठ में सबके अंदर भगवत का इंकार करने की इच्छा है, किसी में इंद्र तर्पण करने की इच्छा नहीं है, कोई ईर्ष्यालु नहीं है, कोई दूसरे जीव को क्लेश नहीं देता है, तो इसलिए उधर वैकुंठ का मतलब कुछ भी चिंता नहीं है उधर। तस्मा अदात हरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। देखिए भगवान विष्णु ने देखा कि मेरा भक्त अम्बरीश इतना भक्ति में, मेरे भक्ति में लगा है, अपने सुरक्षा के बारे में भी सोचता नहीं है ये, इसलिए भगवान ने अपने सुदर्शन को बोला है, सुदर्शन तुम जाओ अम्बरीश की राज्य में, तुम रहो, जब भी अम्बरीश को कुछ समस्या हो तो उसकी सुरक्षा प्रदान करना तुम्हारा काम है, ऐसे भगवान ने आदेश दिया था किसको, सुदर्शन चक्र को सदा। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे और भगवान ने सोचा कि अम्बरीश के भक्ति में कुछ बाधा ना आए, अगर कोई उनको तंग करे तो ये चक्र काम करेगा, ऐसे भगवान ने उनको दिया था। पढ़िए तात्पर्य थोड़ा। सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण हो सकता है कि भक्त अपनी रक्षा में पटु न हो, किंतु भगवान के चरण कमलों पर पूर्णाश्रित रहने से वह भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के लिए आश्वस्त रहता है। हाँ, तो भगवान अगर भक्त सक्षम नहीं हो अपने आप को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, ऐसे बताते हैं। जैसे आप लोग जानते हो पांडव लोग खड़े थे, अचानक दो ब्रह्मास्त्र आ पहुंचा, एक ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए, दूसरा ब्रह्मास्त्र परीक्षित को मारने के लिए, किसने भेजा था, अश्वत्थामा। तो भगवान ने देखा कि पांडव लोग आयुध उठाकर लड़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम था उनके हाथ में, पांडव लोगों ने उठाया आयुध, लेकिन उसके पहले एकदम तेजी से पहुंच गया ब्रह्मास्त्र। तो भगवान अपने चक्र को लेकर तुरंत एक ब्रह्मास्त्र को काट दिया और दूसरे जब ब्रह्मास्त्र गया पेट में योनि में, भगवान खुद ही प्रवेश कर लिया अंदर, जाकर परीक्षित को भी बचाया भगवान ने। तो क्यों मैं बोल रहा हूं आपको, अगर भक्त लोग अपने आप को बचा नहीं पाते तो भगवान खुद ही भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने में व्यस्त हो जाते हैं, भगवान करते हैं, ये बात बताया गया इधर। हरि राधे कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया युक्त सांवत्सरं वीरो
दधार द्वादशी व्रतम। पढ़िए। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान योग्य अपनी रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए एक वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। हाँ, तो पहले लाइन में बताया गया है कि आर्यराज यीशु कृष्ण कृष्ण की उपासना के लिए उन्होंने एकादशी द्वादशी व्रत किया और महिष्यातुल्य शिलया उनके धर्म पत्नी भी राजा जैसे ही भक्ति में श्रेष्ठ श्रेष्ठ थी, वो बात बताया गया है। उसका मतलब दोनों की रुचि थी। कभी कभी ऐसे परिवार में होता है कि पत्नी एकदम गंभीर होती है भक्ति में, पति थोड़ा ढीला है, क्योंकि पति आप ही चला जाता है, रात को लेट आता है, उसको अभी तक एक भी माला चालू नहीं किया, लेकिन पत्नी चली गई इस वाला माला तक। लेकिन कभी कभी भक्ति में पुरुष बड़ा गंभीर रहता है भक्ति में, और पत्नी को बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, वो टीवी देखती रहती है, सिनेमा मैगजीन पढ़ती रहती है, पति को बोलती है तुम तुकाराम बन गए हैं, ऐसे उसको अच्छा नहीं लगता पति की भक्ति ऐसे। तो कभी कभी एक भक्ति में गंभीर है, दूसरा ढीला है, होता है कि नहीं ऐसे? ऐसे होने में थोड़ा समस्या होता है। क्या होता है, एक सामने खींचता है ये इनको अच्छा नहीं लगता, इनका ये पीछे नहीं तो ये खींचते हैं ये पीछे, ऐसे परिवार में कभी कभी ये होता है, थोड़ा झगड़ा होने की संभावना है। इसलिए जो भक्ति में आगे बढ़े हैं उनको परिपक्व होना चाहिए, कैसे जो भक्ति में पीछे हैं उनको भी साथ में लेकर जाना, ये जानना आवश्यक है। लेकिन अम्बरीश महाराज की यह समस्या नहीं था, क्यों? हाँ, महिष्या तुल्यशीलया, पति पत्नी दोनों एकदम गंभीर थे उनके भक्ति में। कुछ लोगों की भक्ति कैसे होता है, ये दिवाली के टाइम आपने देखा होगा, एक फ्लावर पॉट बोलते हैं, मालूम है आपको? बस हो गया, कर रहा हूं। कुछ लोग आते हैं जोर से आते हैं, मंदिर में आते हैं, थोड़ा जुड़ते हैं भक्ति में, उसके बाद कुछ तो आ जाता है उनके जीवन में तो छोड़कर भाग जाते हैं और बाद में दिखते ही नहीं। लेकिन अम्बरीश की भक्ति कैसा था, वो 10,000 वाला देखा आपने, टप 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 चलता रहता वो, ऐसे उनका भक्ति चलता रहा ऐसे। तो बताया गया इधर महिष्या तुलसी, आगे 30वां व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः स्नातक कदाचित कालिंद्याम हरिम मधुवनेर्चयत। तो कार्तिक महीने में एक साल का व्रत लिया उन्होंने कि 3 रात उपवास करके उसके बाद यमुना में नहाकर महाराज अम्बरीश ने भगवान हरि की मधुवन में पूजा आराधना की, और उसमें उन्होंने क्या क्या किया वो आगे के श्लोक में आता है। महाअभिषेक विदिना, भगवान के लिए महाअभिषेक किया उन्होंने विधि विधान के अनुसार। सर्वोपस्कर संपदा, सब तरह के पूजा सामग्रियों के साथ। अभिषिच्यांबरा कल्पैर गंधमाल्यार्हणादिभिः, भगवान के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे फूलों से बना हुआ हार, और ये सब भगवान के शिव विग्रह को अर्पण किया उन्होंने, जैसे हम लोग विग्रह की पूजा आराधना करते हैं ऐसे ही। तद्गतांतर भावेन पूजयामास केशवम ब्राह्मणांश्च महाभागान सिद्धार्थान अपि भक्तितः। ठीक है, बताया गया है तद्गत अनंतर भावेन का मतलब, अंतर भावेन का मतलब है उनका मन पूर्ण रूपेण कृष्ण के स्मरण में लग गया था। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भक्ति में जुड़ता है उसको भगवान के दिव्य गुण याद आते हैं, अरे भगवान के गुण देखो कैसे भक्त वत्सल है, भगवान भगवान आपद बांधव है, भगवान अनाथ रक्षक है, और भगवान दीन बंधु है, और इस तरह भगवान के अंदर अनेक गुण है, और भगवान की लीलाएं स्मरण आते हैं, भगवान ने किस तरह से व्यवहार किया अपने अलग अलग भक्तों के साथ। तो ये इस तरह भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने शिव विग्रह की आराधना की ऐसे, और सिद्धार्थान अपि भक्तितः। यह बताया गया कि उन्होंने ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण सब तरह के भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे उनको लाकर उनके द्वारा इस तरह भगवान के शिव ग्रहों की पूजा आराधना किया उन्होंने।
उसके बाद बताया गया है कि ब्राह्मणों को उन्होंने कैसे लाखों करोड़ों गाय और सोने का सोने के ताली इत्यादि बहुत बहुत चीज क्या क्या उन्होंने दिया है बताया गया है। तो गाय जो दिया उन्होंने बताया गया है गायों का जो सिंग होता है ना उसको सिल्वर से उन्होंने सजाया था उसको उनके उनके पीठ के ऊपर जो वेलवेट का जो कपड़ा सिल्क का कपड़ा है। तो इसका मतलब है उन दिनों में राजा लोग किस तरह ब्राह्मणों को दान देते थे वो बताया गया है। इधर ये सब करने के बाद एकादशी का व्रत तोड़ने का समय आ गया अगले दिन। उस समय उन्होंने क्या किया अम्बरीश ने वो तोड़ने ही वाले थे इतने में एक मेहमान आ गए उसका नाम बोलते हैं अतिथि। तिथि का मतलब है पहले जो तारीख दे देता है वो तारीख में आता है लेकिन अतिथि का मतलब क्या है कुछ तिथि दिए बिना अचानक एक व्यक्ति आ जाता है इसे उसको अतिथि बोलते हैं। तो शास्त्र बोलते हैं अतिथि देवो भव है ना अतिथि को भगवान जैसी आदर देना चाहिए। तो राजा ने देखा दुर्वासा मुनि आए हैं अतिथि के रूप में तुरंत उनको स्वागत किया उनको बिठाया उनका आदर सम्मान किया सर झुका उनके श्री चरणों में और बोला कि आइए मुनिवर। और मुनि ने बोला कि हमको नहा धोकर तैयार होकर हम वापस लौट आएंगे और प्रसाद पाएंगे। तो दुर्वासा मुनि चले गए निकल गए उधर से। लेकिन जब वो यमुना में जाकर वो नहा रहे थे क्योंकि ये सब मधुवन में हुआ वृंदावन में तो वृंदावन में ही घटना घटी है। तो यमुना में जाकर वो नहाने के लिए गए उस समय क्या हुआ बता रहे हैं। यमुना में जब डुबकी लगाया उन्होंने परब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ध्यान किया उन्होंने कौन दुर्वासा मुनि ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है जो निर्विशेषवादी होते हैं वो लोगों को भगवान के भक्तों को देखकर कभी कभी वो सोचते हैं कि ये क्या भावुक भक्त है हम लोग बहुत ज्ञानी हैं ऐसे उनका अहंकार होता है। तो ये निर्विशेष योगी थे कौन दुर्वासा मुनि और साथ साथ बड़े तपस्वी थे उनके अंदर अनेक योगिक सिद्धियां थी आकाश में उड़ सकते थे कभी वो गुफा में सोते थे कभी एक नदी के तट में सोते थे। तो बड़ा गर्व था उनको कि हम ये राजा से बहुत गुना बड़े श्रेष्ठ हैं ये तो एक साधारण राजा है उनको मालूम नहीं था कि कितना बड़ा महान भक्त था ये। तो जब वो मुहूर्त आ गया मुहूर्तार्धा वसिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो विजयस्तद्धर्म संकटे। अभी एक धर्म संकट आ पहुंचा अम्बरीश को क्या है वो एक और मेहमान आए हैं उनको प्रसाद के लिए बिना कुछ खाना नहीं चाहिए हमको अपराध हो जाएगा। दूसरा समस्या क्या है अगर हम पारण के समय हम नहीं तोड़ेंगे व्रत को उस समय क्या हो जाएगा व्रत का लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो ये धर्म संकट में पड़ गया दुविधा में पड़ गया राजा। धर्मज्ञ जो धर्म को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने तुरंत आप बोलिए अभी हमें क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। 39 पढ़िए 39 श्लोक अनुवाद। राजा ने कहा ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना भोजन करना स्वीकार किया जा सकता है और नहीं भी। हाँ आप लोग समझ गए ना क्योंकि चरणामृत पीने से व्रत को तोड़ने का लाभ भी प्राप्त होता है साथ साथ ये मेहमान को अपमान करने के बराबर नहीं है क्योंकि सिर्फ चरणामृत पीते हैं कुछ खाते नहीं है। मेहमान की उपस्थिति में अगर हम खा लेते हैं पहले उसके बाद उनको खिलाते हैं वो ठीक नहीं है, है? इसलिए उन्होंने सिर्फ चरणामृत पिया इधर ऐसे बताया गया है। लेकिन बीच में क्या हुआ बताते हैं। इत्यपि
प्राश्य राजर्षि चिंतयन मनसाच्युतम प्रत्यचेष्ट कुरु श्रेष्ठ द्विजागमनम येव स। बोलिए। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। हाँ, तो ये व्रत होने के बाद अम्बरीश बाहर गया और यमुना के तट में खड़े होकर देख रहा था कि कब आएंगे ऋषि, उनका भी प्रसाद परोसो, ऐसे सोच रहा था। दुर्वासा यमुना कुलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया। बोलिए। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छी प्रकार से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। हाँ, अभी एकदम उत्तेजित हो गए दुर्वासा मुनि। अभी 43 श्लोक से हम अगले सत्र में पढ़ेंगे दुर्वासा मुनि कैसे कुपित हो गए। ये बात भी थोड़ा चर्चा करने की बात है। हम लोग अपने जीवन में भी कभी कभी छोटे चीज के लिए हम बड़ा कोप दिखाते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने छोटा छोटी सी बात थी क्या, थोड़ा चरणामृत पी लिया था उन्होंने व्रत तोड़ने के लिए, लेकिन अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया, बोला कि अगले श्लोकों में आप देखेंगे ऐसे डांटेंगे राजा को, अरे मूर्ख, वो बोलेंगे कि तुम विष्णु भक्त नहीं हो, बड़ा बड़ा बात करते हो लेकिन तुमने एक मेहमान का अपमान किया है तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह बोलकर बड़े राक्षस को निर्माण करके उन्होंने अम्बरीश को खत्म करने के लिए योजना की। कौन? दुर्वासा मुनि है। तो उसके बाद दुर्वासा मुनि का अधोगति हो गया। उसके बाद अगले सत्र में हम उसको सुनेंगे, तो शायद भगवान की इच्छा हो तो अगले सत्र में हम पूरा कर देंगे अध्याय। लेकिन अभी ये समझने की बात ये बात है, आज हमने 3-4 विषयों के बारे में पढ़ा। पहले नबागा का बेटा था नाबागा, उसकी प्रामाणिकता, उसकी नेकता, उसकी सरलता और उसके पितृवचन को पालन करना, सत्यपरायणता इत्यादि के बारे में हमने पहले सीखा। कैसे उनके पिताजी ने बोला छठा दिन या मंत्र बोलो तुमको मिल जाएगा, लेकिन बोलने के बाद भी मिला नहीं। शिवजी को देना था, पिताजी ने बोला दे दो, बोला दे दिया उन्होंने, लेकिन बाद में उनको क्या मिला, उनको दिव्य ज्ञान भी मिला साथ साथ धन संपत्ति भी मिल गया उनको। उधर वो कथा समाप्त हुआ वो नाभागा की। लेकिन नाभाग का बेटा पुत्र हुआ कौन? अम्बरीश महाराज। वो पिता जैसे ही यथा पिता ऐसे ही बेटा भी, पिता जैसे ही बेटा बना, सत्यपरायण बना, भगवान के शुद्ध भक्त बना, विष्णु के महान भक्त बना अम्बरीश। तो अम्बरीश के अनेक गुणाधिशयों के बारे में वर्णन इस अध्याय में। जैसे अम्बरीश महाराज सारे दुनिया भर के राजा था, लेकिन उसके अहंकार नहीं था, आसक्ति नहीं था, सदा कृष्ण परायण था, भक्त था, अपने सब इंद्रियों को भगवत कैंकर्य में लगाया, बताया गया। उसके धर्म पत्नी थी वो भी भगवान जैसे, अम्बरीश जैसे ही भगवान की भक्त थी वो भी, ऐसे बताया है। और इतना ही नहीं, राजा और रानी ही नहीं, सारे प्रजा वो स्वर्ग की ओर नहीं देखते थे, वैकुंठ की ओर देखते थे। वो ऊंचा आस्वादन प्राप्त किया उन्होंने, पदार्थ भौतिक पदार्थों से अपने अपने दृष्टि को, नजर को ऊपर उठाकर भगवान के श्री चरणों में लगाते थे। ऐसे उनकी प्रजा का भी गुणगान हुआ है। कैसे उन्होंने भगवान के शिव विग्रह की अभिषेक किया, पूजा आराधना किया, आभूषण पहनाया अच्छे अच्छे, और कैसे यज्ञ किए, यज्ञ किया सब प्रजा के कल्याण के लिए, और कैसे शासन किया, और कैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद प्राप्त किया अम्बरीश। तो ये सब आज हमने अम्बरीश की महिमा, उनकी ऐसे भक्तिमान अम्बरीश के बारे में हमने बहुत कुछ सुना आज के सत्र में, खास करके उनकी भक्ति से सीखने लायक है उनकी शुद्ध भक्ति। तो अभी नया ये कैरेक्टर आए हैं इस कथा में, कौन है? दुर्वासा मुनि है। अभी आए हैं मेहमान के रूप में आए हैं, उत्तेजित हो गए हैं। अभी दुर्वासा मुनि को इधर ही छोड़ देंगे, अभी उनको उत्तेजित रहने दीजिए, अगले महीने मिलेंगे उनको। है उत्तेजित होकर क्या बोला उन्होंने, क्या किया उन्होंने, तो
हमें अम्बरीश जैसे बनना चाहिए, दुर्वास जैसे नहीं। ये सबक हम सीखेंगे, क्योंकि अगर हम दुर्वास जैसे बनकर उत्तेजित हो जाएंगे छोटे छोटे चीज के लिए, हम भक्तों के विरुद्ध होकर खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ हो सकता है इसे। तो दुर्वास मुनि से सीखने लायक अनेक चीज है। तो अगले सत्र में हम उधर से चालू करते हैं, उसके बाद दुर्वास मुनि जाएंगे ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, वैकुंठ में, और भगवान के साथ एक वार्तालाप है सुनने लायक है बहुत। उसके बाद भगवान के भक्तों की महिमा जानेंगे, महिमा जानकर माफी मांगेंगे। तो इस तरह एक योगी भी भक्त के सामने पराजित हो जाता है, ये लीला से हम सीखेंगे। तो अगले सत्र में हम और विस्तारित रूप से इन विषयों का चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। हरे कृष्ण।